गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास महामैराथन लेके आ चुका हूं मैं दादू सर। आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी से जल्दी मेरे प्यार प्यार बच्चे आ जाए, जो पुराने बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नया बच्चा अपना इंट्रोडक्शन भी देता चले। बेटा जल्दी से आ जाइए और एक बार थम्सअप करके बताइए क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। थम्सअप करके बताइए जल्दी से मुझे। बहुत शानदार, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से आ जाइए, बहुत शानदार और बेहतरीन क्लास मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। आप लोगों को जल्दी से जल्दी थम्स अप करिए और मुझे बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार जो थम्स अप करके जल्दी से जल्दी, हाँ देखिए बहुत जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज मिक्सचर और एलिगेशन है, रेशो का एक भाग आता है मिश्रण, मिश्रण से क्वेश्चन आते हैं। बहुत शानदार और बेहतरीन चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी में, रेलवेज में, और बैंकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। सभी प्रकार के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए। एसएससी में जो क्वेश्चन आता है, रेलवेज में जो क्वेश्चन आता है, बैंकिंग में सभी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है। मैराथन क्लास का मतलब है कि एक ही क्लास में आपको सारा चीज मिल जाए, ठीक बात है कि नहीं। एक ही क्लास में आज पूरा मिक्सचर एलिगेशन आप लोग पढ़ के जाएंगे कंप्लीट, चार घंटे नॉनस्टॉप देख के जाना बेटा क्लास को। देखो बेटा, पहले आपके लिए खुशखबरी है कि ये मेरा कंप्लीट मैथ का बैच आ चुका है, जो आप डिमांड कर रहे थे। 20 तारीख से चालू है, अभी इसमें कुछ नहीं करवाया मैंने, अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें बेसिक को स्टार्ट किया, दो दिन मैंने डेमो दिया, इसमें बेसिक स्टार्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों ने इसको खरीदा, उनके लिए पहले तहे दिल से धन्यवाद बेटा। ये इतना शानदार बैच है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एसएससी के बच्चों के लिए है, रेलवेज के बच्चों के लिए, और सभी परीक्षाएं जितने भी आप परीक्षा का तैयारी कर रहे हो, ऑल एग्जाम का ऑल इन वन बैच। देखो आप भी समझते हो कि सीईटी आ चुका है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है, तो सीईटी को देखते हुए तो ये 2021 के लिए बहुत शानदार बैच है, क्योंकि 4 से 5 महीने ही बैच चलेगा। इसमें सारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट मैथ का बैच, जिसमें अर्थमेटिक को भी पढ़ाया जाएगा बेटा जी, और एडवांस को भी पढ़ाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच है। और मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बैच के लिए सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो भैया हमारा कोड लगाएं धांसू सर मेरे प्यारे बच्चों, और एक साल की वन ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वर्बली मैं आपको बता देता हूँ, 6,000 रुपये का है। अगर आप मेरा कोड लगाते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कोड लगाते हो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 600 रुपये आपके निकल जाते, तो आपको 5,400 का पड़ेगा। अगर आप पहले से अनअकैडमी के विद्यार्थी, अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं अनअकैडमी, आपके पास है, तो भैया एक क्रेडिट का ऑप्शन आता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्रोफाइल पे जाके आपको वहाँ क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगा, 10% का डिस्काउंट और बच्चे आपको मिल जाएगा, तो 600 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन 4800 रुपये का आसपास आपको ये पड़ेगा। बहुत शानदार बैच है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नया विद्यार्थी तो 5,400 का, पुराना विद्यार्थी तो आपको 4,800 का बेटा पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ जल्दी से जल्दी देखिए, और हमारा कोड जब धांसू सर लगाओगे तब ये 10% डिस्काउंट मिलता है। ये इतना शानदार बैच है, इसी एक बैच में आपको कंप्लीट एसएससी, बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सभी परीक्षाएं का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। हाँ बेटा, इसको लेंगे कैसे बेटा, इंस्टॉल करेंगे। पहला स्टेप है अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही ऐप आपकी इंस्टॉल हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, अगले स्टेप पे जाएंगे तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस पे जाएंगे, कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। कैसे हम लेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जी जैसे कंटिन्यूस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये दिखेगा आपको एसएससी एग्जाम। हमारा जो डिपार्टमेंट है, मैं जिसमें पढ़ाता हूँ एसएससी एग्जाम में बच्चे आप जाएंगे, उसके बाद मेरी प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे एसएससी एग्जाम पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे दलवीर नागर, ठीक बात है कि नहीं है, दलवीर नागर लिखेंगे आप मेरे बच्चों, और मुझे आप फॉलो कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फॉलो कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप मुझे फॉलो कर लोगे तो ये आपको दिखाई देगा, फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करोगे तो आपको ये मेरा बैच दिखाई देगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच, ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा है, कंप्लीट मैथ का बैच है, ठीक बात है। कॉम्प्रिहेंसिव नाम दिया इसको, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ द मैथ्स ऑल एसएससी एग्जामिनेशन, ठीक बात है, सभी परीक्षाओं के लिए। भाई लाइक और शेयर दबा के कर दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे बेटा जी आप क्लिक कर दोगे, सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, वैसे ही सब्सक्रिप्शन पे आपको पूछेगा भाई कितने टाइम के लिए चाहिए, तो कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा एक साल का लीजिए, सबसे बेस्ट होता है बेटा एक साल का। एक साल के में आपको क्या फ़ायदा मिलता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक साल के में आपको 6,000 का कोर्स है, और जैसे ही आप मेरा ये कोड लगाते हो धांसू सर बेटा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10% डिस्काउंट के बाद आपके 600 रुपये और लेस हो जाएंगे, तो ये पड़ेगा आपको 5,400 का, ठीक बात है। अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं कि सर हमें और डिस्काउंट मिले, तो भैया 10% और डिस्काउंट आपको फिर मेरे प्यारे बच्चों मिल जाए। भाई लाइक और शेयर करते रहे स्पीड के साथ, तो बेटा ये आपको 10% और मिल जाएगा, तो 600 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो 4800 के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट ऑप्शन आप यूज़ करते हैं, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं अनअकैडमी के, क्रेडिट ऑप्शन का यूज़ करिए, ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जय महाकाल जय श्री राम बोलते जाइए।
और यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यूटी पे क्लिक करेंगे तो फिर प्रोसेस पे जाएंगे, यहाँ पे ये आपको जाएंगे तो यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट, पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हो, ठीक बात है कि नहीं, जैसा आपका पेमेंट का मन करे वैसा आप कर सकते हो। चलो भाई ये शेड्यूल है, बच्चा कहता है सर बार बार हमें फ्री क्लासेस का शेड्यूल बता दीजिए, तो भैया फ्री क्लास है, अगर आप यूट्यूब पर मेरी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जो मेरी फ्री क्लासेज का शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली क्लास मेरी रोज़ दोपहर 12 बजे चलती है, जो आपके स्पीड मैथ्स बाय धांसु सर ये आपका अपना चैनल है, अन अकेडमी पे है आपका, ठीक बात है कि नहीं। दूसरा हमारा 12:30 बजे चैनल है भैया, ये 12:30 बजे चलती है, ये भी स्पीड मैथ पे चलती है। तीसरी क्लास हमारी रोज रात को 8 बजे चलती है, अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ाता हूँ, तो वाईफाई स्टडी आपका जो चैनल है इस पे चलती है बेटा, ठीक बात है कि नहीं। चौथी क्लास जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ फ्राइडे को था बेटा, अब ये जो फ्राइडे को हमारा ही होता है रात को 8 बजे, फ्राइडे को हम लेने लगे महामॉक, अब फ्राइडे को हमारा क्या होता है महामॉक होता है मेरे प्यारे बच्चों, और सैटरडे को हमारा प्यारे बच्चा ये क्या होता है सैटरडे को हमारी महामैराथन है, तो आज हमारी महामैराथन है, मैराथन हम मिनिमम 3 से 4 घंटे की रखते हैं और मैक्सिमम बड़ी बड़ी मैराथन 6-6 बार-बार घंटे के मैराथन करते हैं, आपको पता है इस बात के बारे में। लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए भाई, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करने का बेटा, लाइक और शेयर में कंजूसी चलेगा फिर कैसे मजा आएगा, जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर। आपको पता है 500,000 से पहले हम शुरू नहीं करेंगे, मार्कर 500,000 से पहले नहीं करेंगे। जय श्री राम बोल दे एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। आज गणेश चतुर्थी है भैया, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, गणपति पप्पा मौर्य लिख दो आज एक बार जो है, जय गणपति पप्पा की एकदम, जो जय गणपति पप्पा की एकदम, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार स्पीड के साथ एकदम। अब आ जाइए फ्री क्लास बात करते हैं, अनअकैडमी, आप पूछते हैं सर अनअकैडमी की फ्री क्लास बताइए, तो भैया अनअकैडमी की फ्री क्लास ये देखिए स्पेशल फ्री क्लास, जो मेरी स्पेशल फ्री क्लासेज हैं, स्पेशल फ्री क्लास जो अनअकैडमी पे मैं आपको देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 10 बजे देता हूँ अर्थमेटिक का क्लास। चैप्टर क्या चल रहा है इसमें, चैप्टर जो इसमें चल रहा है वर्क एंड टाइम है, चैप्टर भी बता देता हूँ इसमें वर्क एंड टाइम चैप्टर आपका चला हुआ है, ठीक बात है कि नहीं। और इसकी बात करता हूँ एडवांस मैथ की, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जियोमेट्री चला हुआ है, ज्योमेट्री चैप्टर आपका इसमें चला हुआ है। तो यहाँ पे फ्री क्लास का कंप्लीट, देखो अनअकैडमी पे फायदा क्या होता है, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास का फायदा ये होता है, यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे डाउट सेशन अवेलेबल होता है और पोल होता है, जैसे कि अब मैं आपका स्पीड टेस्ट लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको हाँ टाइमर देता हूँ, तो वहाँ पे पोल का ऑप्शन होता है, आपको ये पता है कि भैया आप हाँ, जैसे कि 1,000 बच्चा 2,000 बच्चा बैठा होता है, तो वहाँ पे रैंकिंग आती रहती है भाई, पहला रैंक दूसरा रैंक तीसरा रैंक, तो आप कौन सी रैंक पे चल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये 10 बजे जो हमारा क्लास होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 PM पे हम टेस्ट लेते हैं, 10 PM पे महामॉक टेस्ट लेते हैं, महामॉक टेस्ट हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और संडे को हमारा क्लास सुबह 10 बजे महामैराथन है, कल आपकी महामैराथन है, कल जो है ना संडे है, कल देखिए संडे, तो महामैराथन है 10 बजे से आपकी महामैराथन होगी। महामैराथन हम मिनिमम जो लेते हैं वो कम से कम 2 से 4 घंटे की मैक्सिमम, मिनिमम 2 घंटे की मैक्सिमम 4 घंटे का मैराथन यहाँ पे लेते हैं, ठीक बात है। तो कल आपकी महामैराथन है, बहुत शानदार क्लास है, उसको लेना मत भूलिए आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे प्यारे बच्चों। भैया हमारा कोड लगाना मत भूलिए, धांसु सर हमारा कोड है मेरे प्यारे बच्चों, और ये देखिए ये मेरा प्रोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोफाइल इस पर क्लिक कर लीजिए, और इस प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक बात है ना। और वो हमारा चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसु सर, हमारा चैनल का नाम क्या भैया, स्पीड मैथ्स बाय धांसु सर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। देखिए अब चैप्टर है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और हिंदी में इसको बोलते हैं पृथकीकरण, ठीक बात है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहाँ से एक सवाल परीक्षा में आता ही आता है। अगर मैं रेशो की बात करता हूँ तो रेशो में पहला चैप्टर रेशो हो गया था, ठीक है, रेशो मैंने आपको रेशो एंड प्रपोर्शन, पहला चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, इस पर मैराथन मैंने आपको दे दी, रेशो एंड प्रपोर्शन पर हो गया। दूसरा मैराथन हमने एज पर किया था, तीसरा मैराथन हम ये कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, आज ये कम्प्लीट हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम मैराथन करेंगे वो करेंगे पार्टनरशिप पे, किस पे करेंगे बेटा, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे हम मैराथन करेंगे, पर उससे पहले एक हमारा चैप्टर और रहता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको पार्टनरशिप पे करेंगे। इसके बाद जो मैराथन आएगी आपकी पार्टनरशिप पे आएगी, एक हाइट एंड डिस्टेंस भी हमारा बचता है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जय श्री राम, हाँ गणपति पप्पा मौर्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गणपति पप्पा मौर्या, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं भैया, ये लीजिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जय श्री राम, गणपति पप्पा मौर्या बोल दो एक बार भाई, सब लोग जो है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कंप्यूटर महोदय, ये देखिए टाइमर के साथ चलेंगे भाई, देखो आराम से पढ़ेंगे, हाँ आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी देखिए 30 सेकंड का टाइमर लेते रहिए, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, मजा आ जाएगा सर। लाइक और शेयर दबा के ठोकिए एक बार जो, तो शाबाश 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 गणपति पप्पा मौर्या, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, वेरी गुड, हाँ
देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ मैं सिर्फ एग्जाम पैटर्न पे पढ़ाता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किस टाइप का सवाल पेपर में पूछा जाता है और उसको कम से कम समय में हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा फोकस होता है एग्जाम पैटर्न पे पढ़ाने का, ठीक बात है कि नहीं। टाइमर मैं इसलिए देता हूँ कि आपकी स्पीड को मैं चेक कर सकूँ, 30 सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए और 30 सेकंड क्वेश्चन को, 30 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने का, 30 सेकंड सॉल्व करने का, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 मिनट और मिनिमम 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक बात है कि नहीं। चलिए सफिशिएंट टाइम था, किस किस बच्चे ने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। बताइए देखिए पहला क्वेश्चन देखो, पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, मैं फिर बता दें, जो नया बच्चा है सुन लो भैया, पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक से, बेसिक का मतलब समझ लो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर करने का बेटा। अगर आज तक आपने मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन को छोड़ा है पेपर में तो भैया आज के बाद नहीं छोड़ोगे, मेरा वादा है आप लोगों से। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करें, जय महाकाल जय गणपति पप्पा मोरिया बोलते जाएं और दबा के लाइक और शेयर करते जाइए, बहुत बढ़िया मजा आए। तो भैया बेसिक से बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यार बच्चों, देखो, और यूज़ करें हमारा कोड धांसु सर, यूज़ करें हमारा धांसु सर कोड, गेट 10% ऑफ ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए भैया हमारा कोड ही लगाएंगे, धांसु सर लगाएंगे भाई यार, जीवन को सफल बनाएंगे। हाँ भाई देखो बेटा सवाल को पढ़िए, पढ़ते पढ़ते ये आंसर दे दोगे, पढ़ते पढ़ते आंसर दे दोगे मेरे प्यार बच्चों। देखो कैसे मुंह जवानी सवाल को सॉल्व किया है, यदि 20 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाते हैं तो मिश्रण चावल में 24 रुपये प्रति किलोग्राम चावल पर बिकता है, तो दोनों चावलों का अनुपात बताइए, व्हाट प्रपोर्शन मस्ट बी द राइस, ठीक बात है कि नहीं है। राइस की बात कर रहा है, पहला है 30 और फिर दूसरा है 30, पहले 20 है फिर दूसरा 30 है, राइस की बात कर रहा है। तो राइस को मैंने लिख दिया भैया R1 और R2, ठीक बात है कि राइस को R1 R2, R का मतलब राइस चावल, हिंदी में कहें तो चावल 1 चावल 2, ये राइस 1 और राइस 2 लिख दिया, ठीक बात है कि नहीं। बहुत शानदार प्यारा कंसेप्ट, मुंह जवानी निकालोगे मेरा वादा है आप लोगों को, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके दे, ऐसी ऐसी ट्रिक दूंगा बेटा आपको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं टॉपिक को जिससे कि आप पकड़ पाएं। देखो बेसिक से चल रहा है, पहले आसान सवाल होंगे, पहले साधारण सवाल होंगे, फिर क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 तगड़ा क्वेश्चन आएगा एकदम, जो है मजा आए तो दबा के लाइक। हमें देखो पहले 20 किलोग्राम प्रति किलोग्राम का चावल है, फिर 30, पहले 20 का है फिर 30 का, लिखो भैया ये 20 प्रति किलोग्राम का चावल और ये दे रखा है भैया 30 प्रति किलोग्राम का चावल, इतना आपने लिख लिया है 20 और 30, ठीक बात है कि नहीं। 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक बात है। अब सवाल में जो दिया हुआ है, सवाल में देखिए बाकी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सवाल में कहता है 20 रुपये प्रति किलोग्राम 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ मिलाते हैं तो मिश्रित, ये कहता है मिश्रित चावल जो है वो 24 रुपये प्रति किलोग्राम में बिकता है। मिश्रित चावल कितना है भैया, मिश्रित है आपका 24, तो जो मिश्रित है जो एवरेज है वो कितना है बेटा 24, ये मिश्रित है आपका 24, ये आपका 24 है मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रित चावल आपका कितना दे रखा भैया, ये 24 दे रखा, तो बेटा कुछ नहीं करना है, बस ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, पहले एलिगेशन के क्वेश्चन होंगे फिर उसके बाद मिक्सचर के क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक बात है कि ना। मुंह जवानी आंसर देखिए कैसे होता है, कुछ नहीं करना बेटा, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करिए, बड़ी संख्या यहाँ पे 30 है, 30 में से 24 को निकाल दीजिए, कितना बचेगा बेटा जी 6, ठीक बात है कि नहीं है। 10 में से 4 गया 6 बचा, यार ये 24 है, ये बड़ी संख्या है, हमेशा याद रखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। अब बड़ी संख्या यहाँ पे 24 है, ये छोटी संख्या कितनी है, ऐसे एरो ऐसे क्रॉस माइनस किया जाता है, याद रखना क्रॉस डायगनली। 30 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आ गया बेटा जी 6, 24 में से 20 के माइनस करेंगे बेटा जी कितना आ जाएगा 4, देखिए कटता है तो काटो, 2 3 6 कटा और 2 2 4 कटा, 3:2 आपका करेक्ट आंसर है, जय महाकाल जय श्री राम बोल दो, 3:2 ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर था मेरे प्यार बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए भैया। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, पहले 20 किलोग्राम का चाप प्रति किलोग्राम फिर 30 किलोग्राम का था, किसमें मिक्स करना है भैया, ये 24 में चावल के साथ मिलाते हैं तो मिश्रित चावल आपका 24 प्रति किलोग्राम चावल पे बिकता है, तो दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा 3:2 में मिलाया जाएगा। अगला सवाल बना के देखिए, बहुत प्यारा सवाल है मेरे प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 2। टाइमर जी जरा आ जाइए, देखो आराम से लीजिए टाइमर को, लीजिए टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए भैया, टाइमर आपका स्टार्ट हो गया, मिनिमम 30 सेकंड का टाइमर और मैक्सिमम आपके लिए 1 मिनट का टाइमर, 30 सेकंड का उन बच्चों के लिए जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं, 1 मिनट का उनके लिए जो बच्चे थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस में लो है, पर सबको एक साथ लेके आऊँगा मैं, चिंता करने का जरूरत नहीं है, जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया शानदार।
हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम बोलते जाइए। देखिए मुझे दिख रहा है कितना बच्चा आंसर दे रहा है। शाबाश 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 शाबाश, अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। देखिए अच्छा विद्यार्थी विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, लोग कांटा लगाते चलते हैं। ये बेटा ये गलत आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? ये गलत आंसर, ये दो ऑप्शन को मैंने कांटा लगा दिया है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम जो है दो ऑप्शन को मैंने कांटा लगा दिया है, सवाल को पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। मैंने ऐसी टेक्निक आपको दिखा दी है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए, मिक्सचर एंड पहले एलिगेशन का कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद मिक्सचर का मिश्रण का कॉन्सेप्ट। देखो बेटा क्वेश्चन में कहता है मिश्र धातु, पढ़िए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर आपको बता रहा हूँ, इससे बढ़िया नहीं। पहले बेसिक से सवाल लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा आपका जो है। कहता है मिश्र धातु एक में 90% तांबा है, 90% आपको तांबा दे रखा है और 10% आपको दे रखा है पीतल, 10% पीतल है। मिश्र धातु बी में 80% तांबा है और 18% आपको दे रखा है पीतल, मैंने पीतल को क्लिक कर लिया है। 10% पीतल यहाँ हो गया भैया, 18% पीतल यहाँ हो गया, ठीक बात है। 10% यहाँ होगा, 18% यहाँ हो गया। तो बताए दोनों प्रकार के मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित धातु जो है वो 12% पीतल है। तो बेटा इसमें देखिए आप तांबे से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और पीतल से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं? या तो तांबा को ले लीजिए या पीतल को ले लीजिए, दोनों से ही सवाल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों से ही सवाल बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? या तो तांबे को ले लो या पीतल को ले लो। मैं ए ले लेता हूँ यहाँ पे ए, और ये इसको ले लेता हूँ बी, ए हाँ, दोनों को पीतल ले लो या तांबा ले लो, या तो तांबे से कर सकते हो या पीतल से कर सकते हो। मैं दोनों को पीतल ले लेता हूँ, ठीक बात है कि नहीं भाई? ए को भी पीतल ले लिया और बी को भी पीतल ले लिया, ठीक बात है कि नहीं? दोनों को पीतल ले लिया, ठीक बात है। पहले 10% दे रखा है फिर 18%, ठीक बात है कि नहीं? हाँ पहले 10% है, हाँ पहले 10% दे रखा है मेरे प्यार बच्चों, पहले 10% है फिर उसके बाद 18, पहले 10% आपको दे रखा है और उसके बाद आपको दे रखा है बेटा जी 18%, 10% दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 18% दे रखा है। अच्छा मिलाना कितने में है, मिलाना कितने में है बेटा? 12 में मिलाना है, तो 12 में मिलाना है, इसका मतलब एवरेज कितना हो गया भैया? ये 12 हो गया, 12 में आपको मिलाना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात को, 12 में मिलाना है भाई। 10% हो गया, 18% हो गया और 12% में आपको मिलाना है, बस क्वेश्चन खत्म होगा। जो मिलाना होता है उसको यहाँ सेंटर में रखिए, सीधी सी बात है, इसमें मिलाना है, ठीक बात है कि नहीं? तो वो कह रहा किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है? हाँ तो भैया किस अनुपात में मिलाया जाए मेरे प्यारे बच्चों? देखो मैंने क्या सिखाया, लार्ज में से स्मॉल को, ये 10% था, ये 18% था और 12% में मिलाना था, तो 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6%, सीधी सी बात है। और 12 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, रेशो से रेशो कटेगा, 2 × 3 कितना हो गया? 6, 3:1। किस अनुपात में मिलाया जाए मेरे प्यारे बच्चों? 3:1, ऑप्शन ही आपका सी करेक्ट आंसर था। जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। गर्दा गर्दा गर्दा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। देखिए आप पीतल से भी कर सकते हो और तांबा से भी कर सकते हो, दोनों से आप कर सकते हो। मैंने पीतल को ले लिया, पहला पीतल 10% था, दूसरा 18% था, एवरेज था 12%, तो 18 में से 12 निकाला 6, 12 में से 10 को निकाला 2, 6 का रेशो कितना आ गया? दोनों पति। जय श्री राम, जय माता, दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए, जोड़ते जाइए। अगले सवाल पर आइए भाई, अगला सवाल लीजिए भैया जल्दी से, मुंह जवानी बना सकते हो, मैं टाइमर को लगाता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर इतनी परफेक्शन आ चुकी है कि आप टाइमर से पहले उड़ा सकते हो। चलो बेटा टाइमर आपको दे दिया, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश शाबाश, टाइमर से पहले उड़ा दो। शाबाश 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 शाबाश, अरे अब तो मजा आ रहा होगा। गर्दा उड़ना चाहिए, जलवा दिखना चाहिए आपका जो है, हाँ चारों तरफ आपके जलवे होने चाहिए कि सर हम सवाल को देखते हैं और मुंह जवानी सॉल्व कर देते हैं। पहले देखिए एलिगेशंस के कॉन्सेप्ट से सवालों को उड़ाएंगे, फिर उसके बाद मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से सवालों को, दूध पानी के क्वेश्चन होंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, परीक्षा में पूछे गए सभी अच्छे अच्छे सवालों को मुंह जवानी करना सिखाऊंगा। भाई मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर करते जाए। जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा गर्दा गर्दा, मच रहा है कि नहीं मच रहा है? बिल्कुल मचेगा बेटा। लो भैया स्टॉप कर दिया टाइमिंग को, बेटा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ, मजे से सीखना है बिल्कुल एकदम जो है। 21 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल 28 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम,
किस अनुपात में मिलाया जाए। पहले 21 का है, 21 और फिर है भैया 21 के बाद था 28, किस अनुपात में मिलाया जाए और एवरेज कितना दे दिया। देखो 21 और 28, द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, इसको बोलते हैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। ये है एलिगेशन। पहले मैं आपको एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ भाई, देखो ठीक है। पहला जो चावल है ध्यान से सुनिए, 21 है, फिर दूसरा है 28 है, किस अनुपात में मिलाया जाए तो उसका है 25, ठीक बात है। 25 वो दे रखा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, सवाल में क्या कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, तो वो रेशियो बताना है आप लोग। भाई मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर। देखो बेटा मैंने क्या सिखाया, ये बड़ी संख्या है और ये देखिए ये बड़ी संख्या है, तो 28 में से 25 को माइनस करेंगे, 28 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा जी, 3 बचेगा, 3 अनुपात 25 में से 21 को माइनस कर दीजिए बेटा जी कितना बचेगा, 3:4, 3:4 इज द राइट आंसर। बताइए किस किस बच्चे ने नहीं बनाया, अब इससे ज़्यादा आसान नहीं बता सकता बेटा। इतना बढ़िया एलिगेशन का कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। पहले कह रहा 21 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक बात है कि नहीं है, हाँ 21 रुपये में 21 रुपये प्रति किलोग्राम है, फिर 28 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक बात है कि नहीं है, और उसको भैया 25 रुपया कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे कि उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो भैया उसका मूल्य कितना होना चाहिए, 25 रुपये, मतलब एक किलो में कितना आ जाए भैया 25, हाँ 25 रुपये में कितना आ जाए, एक किलो आ जाए। तो बेटा उस रेशो को मिलाने के लिए हमने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट किया। एलिगेशन क्या कहता है भैया, पहला कॉस्ट जो दे रखा है, दूसरा कॉस्ट दे रखा है, फिर एक एवरेज कॉस्ट होगी जिसमें हमने मिलाना है। तो लार बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे और सीधा रेशो आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर चलेगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, सवाल नंबर 4 लीजिए बेटा। भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर। देखो भैया सवाल नंबर 4, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। पहले एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद मिक्सचर पर लेके आऊँगा। सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ठीक बात है। तो पानी 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। जैसे ही जब वो सवाल में कहता है किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम एलिगेशन आना चाहिए कि सर जब वो किस रेशो में मिलाने की जब बात करता है ना, जब मिश्रित की बात कर रहा है, मिलाने की बात कर रहा है, तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट है। जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाइए, उम्मीद करता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोना और तांबा, हाँ शाबाश शाबाश। गर्दा 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 मचना चाहिए भैया, हमारे बच्चों का गर्दा मचना चाहिए, हमारे बच्चों का जलवा होना चाहिए। जय श्रीराम बोलते जाइए, गर्दा मचाते जाइए, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। अगर मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए भाई, दबा के लाइक और शेयर चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इतना समय थोड़ी देते हैं बेटा। देखो कितना आसान तरीका मैंने आपको सिखाया, कह रहा 19 गुणा और 9 गुणा उसने दे रखा है बेटा, कुछ नहीं। देखो लिखो, ये सोना है, देखो बिल्कुल प्यार से बता रहा हूँ, ये सोना है और ये तांबा है, ठीक बात है कि नहीं, सोना तांबा। देखो भाई बेटा जी, सवाल में जो दे रखा है आपको कलम भी चलाने की, बिना पेन बिना पेपर के उड़ा दोगे मुंह जवानी। पहले देखो सवाल को समझिए बेटा, बस उस चीज को मार करिए। देखो देखो बड़ी बड़ी बात नहीं, कह रहा 19 गुना क्या है, सोना, ठीक बात है कि नहीं, सोना 19 गुना है और तांबा कितना है भैया, 9 गुना है। तो सोना 19 गुना है, सोना को यहाँ 19 लिख दिया, तांबा भैया आपका 9 गुना था, तांबा को 9 लिख दिया। किस रेशो में मिलाया जाए, जिस रेशो में मिलाया जाए उसको बीच में रखते हैं, क्योंकि एलिगेशन, कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, ये मैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। याद रखिए जब मिश्रण की बात करता है, जब मिलाने की बात करेगा तो एलिगेशन को लगा दीजिए, क्वेश्चन का काम तमाम हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। एलिगेशन को लगा दीजिए ऐसे केस में भैया, किस अनुपात में, 15 गुना कह रहा है, 15 गुना भारी मिश्र, हाँ मिश्र धातु बनाने के लिए धातुओं किस अनुपात, तो 15 गुना बनाने के लिए भैया 19 में से 15 को माइनस करिए, कितना आता है बेटा जी, 4 आता है, 4 अनुपात। बताइए 15 में से 19 को माइनस करिए, हाँ 15 में से 9 को माइनस करिए, 15 में से 9 को माइनस करेंगे कितना होगा, हाँ भाई बहुत बढ़िया, 9 और 6 15 होता है कि नहीं होता, 9 और 6 15, शाबाश शाबाश शाबाश। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, जय महाकाल जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी को लॉक कर दें, बिल्कुल लॉक कर देंगे बेटा, बी को लॉक कर दिया, 2 से काट दो, 2 3 6 2 2 4, क्या पेन पेपर की आवश्यकता है भाई, दिल से बताइए, क्या पेन पेपर, बी को लॉक कर दिया भाई, बी को लॉक कर दिया आपके लिए।
अच्छा ईमानदारी से बताइए, क्या पेन पेपर की आवश्यकता है भाई? सोना 19 गुना था, तांबा 9 गुना था, ये 19 और 9 और ये 15 हमने एवरेज ले लिया, क्योंकि एलिगेशन में क्या है, एक एवरेज वैल्यू को लिया जाता है, जिसमें मिलाना होता है, जिसमें मिलाना होता है, जो वो मिलाने की बात कर रहा है, 15 में मिलाने की बात कर रहा है, तो भैया 15 को इस एवरेज वैल्यू ले लिया, ठीक बात है कि नहीं? 19 में से 15 को माइनस किया 4, 15 में से 9 को, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करिए, ये बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, आसान भाषा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, बड़ी संख्या 19 है, छोटी संख्या 15 है, माइनस करेंगे 4 आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, बड़ी संख्या 15 है, छोटी संख्या 9 है, माइनस कर दूंगा सर, यहाँ पे 6 आ जाएगा, अभी भी वैल्यू कट सकती है, तो बेटा जी इसको काट दीजिए, क्योंकि रेशो में हम 2 3 6 कटा, 2 2 4 कटा, 3:2 ऑप्शन में मैं जाता हूँ तो बी ऑप्शन आता है। भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर, कम से कम 2000 पर, मैराथन क्लास है यार, मैराथन में कम से कम 2000 हो जाना चाहिए था अब तक जो है। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। अभी तो एलिगेशन चल रहा है, इसके बाद फिर मिक्सचर लेके आऊंगा, ऐसे गर्दा उड़ा दूंगा बेटा, कलम पेन की देखो मैं क्या ले बोलता हूँ, पेन और कलम उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा ऐसा कंसेप्ट आपको दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये टाइमर को लीजिए और ये टाइमर स्टार्ट, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल लेके आऊंगा, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लेके आऊंगा, काहे को घबरा रहे हो? कंसेप्ट एक ट्रिक एक ही होगी मेरी, एलिगेशन पहले एलिगेशन से करवाऊंगा, फिर मिक्सचर से कंसेप्ट को सिखाऊंगा आप लोगों को, और फिर आपको इसे ही उड़वाऊंगा, चिंता मत करिए। टाइमर स्टार्ट है, क्वेश्चन को देखें जल्दी से, सवाल नंबर 5। हाँ भाई सवाल को पढ़ें जल्दी से, सवाल को पढ़िए और सवाल को करिए जल्दी से, जल्दी से, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ, जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब की बार थोड़ा टाइप को चेंज कर दिया है, अब की बार थोड़ा टाइप को चेंज कर दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, अब की बार थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दिया। देख मैंने क्या बताया, 5 सवाल के बाद हम क्वेश्चन का लेवल उठा देंगे, 5 सवाल के बाद, पर हमारा ट्रिक एक रहेगा बेटा, हम फिर बता देते हैं, 5 सवाल के बाद, देखिए टाइप को चेंज कर दिया, 5 सवाल के बाद टाइप चेंज है मेरे प्यारे बच्चे, ट्रिक हमारा एलिगेशन का ही रहेगा, हम एलिगेशन के ट्रिक से ही क्वेश्चन को डुबा देंगे आप लोगों से, चिंता करने का जरूरत नहीं है, ट्रिक हमारा एलिगेशन का रहेगा, ट्रिक बात है कि नहीं, ट्रिक हमारा एलिगेशन का रहेगा, चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो एक बार, जो एक बार जय श्री राम, जय गणपति पप्पा मोरिया। देखो भाई 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को 55 रुपये प्रति किलोग्राम चावल में के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने के व्यापारी को 25% का लाभ हो, 25% का लाभ, प्रॉफिट की बात कर रहा है, 25% का लाभ हो, ठीक बात है कि नहीं है? तो जैसे 25% के प्रॉफिट की बात कर रहा है, अगर भैया 100 पे 25% का प्रॉफिट होगा, ये 100 रुपया पे 100% पे 25% का प्रॉफिट का मतलब कितना है, 125%, ठीक बात है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आती है, 100% 25% का प्रॉफिट, 100 पे 25 का प्रॉफिट कितना हो गया, 125%, ये स्टेप समझ में आता है पहले मुझे बताइए। हाँ ये स्टेप अगर आपको समझ में आता है तो मेरा लैंग्वेज कहने का मतलब सवाल का ये था भाई 125% का जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है भैया 60 पे। देखो 25% का प्रॉफिट, 100 पे 25 बढ़ा दो कितना हो गया बेटा 125 हो गया, 125 का जो प्रॉफिट हो रहा है, 125 का जो प्रॉफिट हो रहा है कितना 60 प्रति किलोग्राम बेचने पर होता, तो 125 का भैया 60 पे हो रहा है, और 1% 1 का कितने पे होगा 60 बटे में बेटा जी 125 पे होगा कि नहीं होगा, और परसेंटेज वैल्यू हमेशा बेटा जी मैं 100 में निकालता हूँ, तो 100 पे कितना होगा बेटा जी, इसमें मैं 100 को ले लूँगा, क्योंकि ये मेरी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक बात है कि नहीं? ये मेरा एवरेज वैल्यू आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए भाई कहता है 25% का प्रॉफिट होता है, लाभ की बात कर रहा है, तो 25 मतलब 125% 125 हो गया, 100 पे 25 बढ़ा, 125 का कितने 125% 60 रुपये पे 1% 60/125 100% ले गुणा में 100 कर दिया, सबको पता है 25 से काटूंगा भैया 25 चौका 100, 25 से काटूंगा 25 पंजे 125, 5 से काट दूंगा भैया 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 12 चौक 48, ये आ गया भैया 48 आ गया। अरे जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो एक बार जो, जय श्री राम। देखिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये आपका एवरेज वैल्यू आ गया भैया। देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल 55 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर व्यापारी को 25% का लाभ हो, तो एवरेज वैल्यू कितना हो गया भाई 48 हो गया। पहले कितना था भैया 40 रुपया प्रति किलोग्राम था, फिर कितना था बेटा, फिर 55 रुपये और
मिलना क्या चाहिए, 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर व्यापारी को 25% का लाभ हो, किस अनुपात में मिला है। तो भाई एवरेज वैल्यू कितनी मिल गई मेरे प्यारे बच्चों आपको, ये आपको मिल गया एवरेज वैल्यू कितना है बेटा जी, ये 48 आपको मिल गया है। किस अनुपात में मिलाया जाए, इस अनुपात में मिलाया जाए भैया, जिससे 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो एवरेज वैल्यू पे आएंगे भैया, 48 में से 40 को माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा माय डियर, 8 आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है, 55 में से 48 को माइनस कर दीजिए भैया, 15 में से गया तो भैया 7 आ गया, 7:8 में जब हम आपको मिलाएंगे, 7:8 में मिलाएंगे, तो भैया 60 रुपये प्रति गुलाम बेचने पर 25% का आपको प्रॉफिट होगा। तो रेशो वो क्या होगा, एक्चुअल रेशो होगा 7:8। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया भैया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई आया समझ में एकदम, जय श्याराम जय महाकाल बोल दीजिए भाई, दबा के लाइक और शेयर करिए। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप बढ़ गया है, एक स्टेप क्या बढ़ गया है, वो क्वेश्चन में इस लैंग्वेज को देगा भाई, सवाल में इस लैंग्वेज को देगा कि चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हमें उस रेशो को बताना है जिससे कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब 60 रुपये में एक किलोग्राम चावल, एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, एक 60 रुपये में किलो बेचने पर आप व्यापारी को कितना लाभ होना चाहिए, 25% का लाभ होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या है कि इसी से निकाल लिया है, 125 का हुआ 60 रुपये पे, 1% का हुआ 60/125, और 100% का कितना होगा वो आ जाएगा 48 रुपया। कितना आ गया भैया, 48 रुपया। तो एवरेज वैल्यू जो आपकी आ गई वो 48 रुपये आ गई, ठीक बात है, ये 40 और ये 45, ठीक बात है, एवरेज 48 आ गया है। तो 48 में से 40 गया 8, और ये 55 में से 48 7, बहुत बढ़िया, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, चलो भाई अगला क्वेश्चन लीजिए, लो बेटा अगला क्वेश्चन लीजिए, टाइमर स्टार्ट कर दिया, सेम टाइप सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, जल्दी से उड़ा दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ यदि 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये, देखो सेम क्वेश्चन है ये, 20 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ मिलाते हैं, जब भी वो मिलाने की बात करेगा तो एलिगेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, इस दिमाग में याद रखिए, मिलाने की बात करता है तो एलिगेशन याद रखिए। तो कहता है मिश्रित चावल को 30 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है, अगर 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। अब की बार कितने का लाभ हो रहा है, जब जो चावल मिलाने पर, चावल मिलाने पर जो मिश्रित जो चावल है, सवाल में कह रहा है जो मिश्रित जो चावल है उसको 30 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है तो 20% का लाभ होता है। तो बताइए इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया, तो इनका जो अनुपात वो बताइए इनको किस अनुपात में मिलाया गया जिससे कि ये चावल 20% का लाभ हुआ और 30 रुपया प्रति किलोग्राम बिकता है और 20 रुपये का इस पर क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। चलो भाई बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इतना समय नहीं लेंगे, अब मैंने आपको स्टेप बता दिया था, इतनी देर में आप आंसर को उड़ा सकते थे। जय श्री राम जय महाकाल, अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं बेटा आप, ये देखिए 20% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 30 रुपया पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, 20% का मतलब कितना हो जाता है, 120, 100 पे 20% का मतलब 120 का प्रॉफिट भैया 30 रुपया पे है, 1% का कितना होगा भैया, 30/120 होगा, और 100% की अगर मैं बात करूँगा तो गुणा में 100 कर दूँगा, गुणा में 100 कर दिया मेरे प्यार बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है, 0 से 0 काट दिया भाई, अगर 4 से 2 से काटता हूँ, 4 से करता हूँ तो ये 2 से कर दो 2 छक्के 12 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, 6 से काट दो 6 पंजे 30 हो गया, 5 पंजे 25 25, ये एवरेज वैल्यू आ गया आपका 25, ठीक बात है कि नहीं, 25 आपका आ गया है। अब कहता है पहला 20 है, पहला जो चावल है कितना भैया, पहले कहता है 20 प्रति किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाते हैं, तो भैया 20 था, दूसरा था भैया कितना था, 40 था, और मिलाया किसमें भैया, 25 मिलाने पर, हाँ मिलाया जाता है, ठीक है मिलाने पर, तो मिश्रित चावल का जो जो मिश्रित चावल कहता है 30 रुपये प्रति किलोग्राम पे बिकता है तो 20% का लाभ होता है, तो 120 का लाभ भैया 30 पे हुआ, 1 का हुआ 130, हाँ 30/120 गुणा में परसेंट, एवरेज वैल्यू हमारा कितना आ गया 25, ये मिश्रित जब हम मिलाया गया तो उसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 25, तो ये आ गया आपका एवरेज वैल्यू। 25 में से 20 को माइनस कर दीजिए कितना आ गया बेटा, 5, और 40 में से 25 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1,
पांच से काट दूंगा, पांच एकम पांच और पांच या पंद्रह, 3:1 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन तय कर लीजिए भैया, 3। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, शानदार। जय महाकाल, जय श्री राम। चलिए भैया कंसेप्ट सीख चुके, अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए, अगले क्वेश्चन पर। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए टाइमर्स के साथ एकदम, देखिए आपके लिए 60-70 क्वेश्चन लेके आए हूँ, 60-70 क्वेश्चन लेके आए हूँ भैया, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। 60-70 सवाल आपके लिए लेके आए हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल देते, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना जी, एकदम गर्दा मचाइए अब। शाबाश, जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश, उड़ाइए 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 उड़ाइए, शाबाश 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 शाबाश। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है, ये टाइप चेंज हो चुका है मेरे प्यार बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा टाइमर दूंगा इसके लिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। हाँ भाई, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। गर्दा 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 गर्दा, देखिए अभी भी गलत आंसर आ रहा है, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, गलत आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है। गलत ऑप्शन चूज कर रहे हैं, सही आंसर आपको सिलेक्शन दिलाएगा, गलत आंसर आपको नौकरी से रिजेक्शन दे देगा। इस बात पे याद रखिए, दूध और पानी की बात कर रहा है, ये लिख दिया भैया हमने दूध, और ये लिख दिया बेटा जी पानी, दूध और पानी की बात कर रहा है। देखो पेन पेपर का जरूरत नहीं है, हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, पेन पेपर का जरूरत नहीं है, सीखते जाइए, अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर। जय श्री राम बुद्ध। एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी है, ये मिक्सचर है, 80 लीटर दूध पानी की बात कर रहा है, तो भैया मिक्सचर है, 80 लीटर दूध पानी है, 70% दूध और 30% पानी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार इसको करेक्शन कर लेंगे सब बच्चा, ये 30 नहीं है, ये 35 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको 35 कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे जो है। हाँ भाई, ये 35 है, ठीक बात है कि नहीं, हाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसको जो है, 35 बिल्कुल 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 जो है, हाँ हाँ देख लेते हैं, हाँ पहला कितना दे रखा है 70, पहले इससे निकाल लेते, पहले 70 दे रखा है दूध, दे रखा 70 दूध है, 70% दूध है, 70% दूध ले लिया, 70% दूध को ले लिया, ठीक बात है कि नहीं, 70% दूध को ले लिया है, और 35% पानी, इसको चेंज कर लेना बेटा, 35 है ये, 35% पानी है, एक बार देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ भाई, फिर कहता 55 में मिलाना है, तो 55 में मिलाएंगे तो भैया माइनस करिए, अगर 70 में से 75, ये 70 में से मैं माइनस करूँगा, 55 को माइनस करूँगा, 10 में से 5 गया 5, ये आ गया 15, ये 15 हो गया, और 55 में से नहीं हाँ 30 ठीक है ठीक है, 30 ठीक है, अगर 30 को मैं माइनस करता हूँ 55 में से 30 को माइनस करता हूँ 25, सही है बेटा सही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है ठीक है, 30 ठीक है, 30 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 सही है, 30 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 सही है, हाँ ध्यान देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। अब देखिए भाई, सवाल सॉल्व हो चुका है, काट दीजिए 5 से काट दीजिए, 5×5=25 और 5×3=15, ये 3:1 हो गया, ये हो गया, ये 5:1, ये 3:1, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8:1 टोटल। अगर मैं बात करता हूँ दूध के 5:1 है, पानी के आपके 3:1, 5 और 3 8, 8:1 किसके बराबर है भैया, टोटल कितना दे रखा है, दूध और पानी टोटल दे रखा है 80, तो 8:80 के बराबर होंगे, 8 से काट दूंगा, 1:1 किसके बराबर होगा बेटा जी, 10 के बराबर होगा, ठीक बात है कि नहीं, 1:10 के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों,
तो पानी के ये देखिए दूध के कितने रेशो, पाँच, तो पाँच गुना में दस, पानी के तीन हैं, तो ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 30, दस दिया कितना हो जाएगा 30, तो 50 और 30 ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 30 क्लियर है। हाँ भाई, जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 50 और 30 आपका बिल्कुल सही आंसर है। गर्दा गर्दा गर्दा, जय महाकाल बोलते जाइए, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, शाबाश। सवाल नंबर 8, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, चलिए थोड़ा सा रफ एंड टफ तरीके से चलेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना, जल्दी से जल्दी, फटाफट 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 फटाफट, रैपिड फायर आएगा, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, एकदम अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से रैपिड फायर करिए। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध और पानी है, 40 लीटर दूध और पानी से भरा हुआ है, ये मार्क कर दिया मैंने, 40 लीटर दूध पानी से भरा हुआ है, 75% दूध और 35% पानी को निकालकर, सेम टाइप सेम क्वेश्चन को निकालकर उसमें 60% भाग खाली हो जाता है, तो बताइए इस परिस्थिति में प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रता क्या थी। शाबाश 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 शाबाश, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर। अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर एकदम जो है, शाबाश 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 शाबाश। प्रीवियस जैसे क्वेश्चन हमने किया था, दूध पानी मिल्क एंड वाटर, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम मुंह जवानी आप लोग कर दोगे। द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, बिल्कुल एकदम, इतना समय क्यों ले रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, दूध और पानी लिख लो बेटा, दूध और पानी, टाइप को मैंने चेंज कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा सर टाइप को चेंज कर दीजिए, ये भैया दूध और ये पानी, ठीक बात है कि नहीं, दूध और पानी, देखो भाई जो वैल्यूज़ हैं उनको लेते जाइए, देखो वैल्यूज़ क्या क्या दे रखा है, 75% दे रखा है, 75%, जय श्री राम बोलते जाइए भाई, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, 75% दे रखा है, 75%, फिर दे रखा है 35, और फिर दे रखा है 60, 75, 35 और 60, लिख लो भैया, ये 75 है और ये 35 है, और एवरेज वैल्यू क्या है भैया, एवरेज वैल्यू है आपकी 60, ये आपका 60 दे रखा है, माइनस कर देंगे बेटा जी, हाँ 75 में से 60 को माइनस करिए, कितना आ गया बेटा, 15 आ गया, ये तो 5, 7 में 6 गया, 1/15 अनुपात परसेंटेज, 60 में से 35 को माइनस कर दीजिए भैया, 10 में से 5 गया, 5, 5 में से 2 25, ये 25 आ गया, ठीक बात है कि नहीं, सेम 25 आ गया, 5 से काट दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 से काट दीजिए, 5, 5 25 होता है, 5 रेशो आ गया, और 5, 3 15, ये 3 रेशो है, अगर दोनों को मिलाऊंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 रेशो, अरे भैया ये दूध आ गया ये पानी आ गया, दूध और पानी को मिला दिया मैंने, रेशो को हटा दिया तो आर लिख दीजिए, रेशो को हटाएंगे तो आर लिख दीजिए, 5 रेशो, ये 3 से दूध के कितने रेशो हो गए, दूध के 5 रेशो हो गए, पानी के कितने रेशो हो गए, पानी के 3 रेशो, 5 और 3 कितना हो गया, 8 रेशो, तो दूध और पानी का टोटल वैल्यू कितना दे रखा है, ये देखिए कितना है दूध और पानी का वैल्यू, ऊपर देखिए क्वेश्चन में दूध और पानी जो दे रखा है वो 40 लीटर है, तो 5 और 3 8, 8 भाग कितने के बराबर है, 40 के बराबर है, 8 × 5 = 40, 1 रेशो कितने के बराबर हो गया बेटा, 5 के बराबर हो गया। अब सवाल में जो आपसे पूछा गया वो निकाल दो बेटा जी, सवाल में आपसे पूछा गया है भैया ये जो रेशो दे रखे हैं दूध के रेशो कितने, 5 रेशो है, 1 रेशो का वैल्यू 5 के बराबर है, तो बेटा जी 5 से यहाँ पे गुणा कर दो, और बेटा जी 5 से यहाँ पे गुणा कर दो, तो दूध आ जाएगा 5, 5 = 25 दूध आ गया, और 5, 3 = 15 आ गया आपका ये पानी, 25 लीटर आपका दूध है और 15 लीटर आपका पानी है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए, जय श्री राम बोलते जाइए, ऑप्शन देखिए, जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 25 और 15, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है बेटा। हाँ भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर टाइप को चेंज करेंगे, गर्दा गर्दा मचेगा एकदम जो है, शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलिए थोड़ा स्पीड के साथ, शाबाश 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 शाबाश। भैया 60-70 सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए, बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर जरूर करके जाए, मैराथन 4 घंटे लगातार चलेगा मेरे प्यार बच्चों, ये देखिए टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, 4 घंटे नॉनस्टॉप चलेगा, अभी पहला घंटा कंप्लीट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए, जय महाकाल बोलते जाइए, क्वेश्चन आपके सामने हैं, चलो चलो शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई चलिए जल्दी से स्पीड के साथ, एक चीनी के सवाल में कह रहा है, एक चीनी के विलय को 15% चीनी है, 15% आपको चीनी दे रखी है, ऐसे मार्क कर लिया करो सवाल को,
15% चीनी दे रखी है, 15% आपको चीनी दे रखी है, अन्य विलय में 5% प्रति चीनी और पहले प्रकार के कितने लीटर विलय में, दूसरे प्रकार के विलय में 15 लीटर के विलय में कितना मिलाया जाए कि प्राप्त चीनी विलय में 12%, हाँ 15% दे रखा है, 5%, देखो भैया 15% दे रखा है, 5% दे रखा है और तीसरा जो दे रखा है हमें 12% दे रखा है। तीसरा क्या दे रखा है, पहला 15 है, फिर 5%, फिर 12%, ठीक बात है कि नहीं। जब तीन वैल्यू आपको दे दे तो आपके दिमाग में आना चाहिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। पहला परसेंटेज आपको दे रखा, हाँ जब तीन वैल्यू आपको दे दे, सिंपल सी बात है, तो आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए एलिगेशन का, 15% चीनी है, 5% चीनी है, ठीक बात है कि नहीं है, और मिश्रण कितना दे रखा है भैया, 12% मिश्रण दे रखा है भैया, 12% मिश्रण दे रखा है बेटा जी, 12% लीजिए भैया, 12% कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन निकाल दीजिए भैया, 12 में से 5 गया, ये आ गया 7, और 15 में से 12 गया तो कितना हो गया 3, ये हैं आपके 7 रेशो, ये हैं आपके 3 रेशो। अब सवाल में जो दे रहा है, इस बात को भी ध्यान से सुनिए भैया, सवाल में जो दे रहा है वो कह रहा है कि पहले प्रकार के कितने लीटर विलय को दूसरे प्रकार के, ये दूसरे देखो ये लाइन को पढ़ना होता है, इस लाइन को पढ़ो, दूसरे प्रकार के 15 लीटर के विलय में मिलाया जाता है, दूसरे प्रकार के मिलाया जाता है, ये पहला है और ये दूसरा है, तो इस दूसरे के में मिलाया जाता है, सीधी सी बात है कि नहीं है, ये दूसरे के मिलाया जाता है, तो ये 3 भाग किसके बराबर हो गए भैया, दूसरे के मिलाया जा रहा है, 3 भाग 15 के बराबर हो गए, 3 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, कितने के बराबर है बेटा जी, 5 के बराबर है कि नहीं है, 3 पंजे कितना हो गया 15, 5 के बराबर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो सवाल में उसने ये पूछ लिया है, तो ये बताइए, हाँ सवाल में जो पूछा है कि चीनी के विलय 5 मिनट मिलाने पहले प्रकार के कितने लीटर, पहले प्रकार के कितने लीटर विलय को, तो पहले प्रकार के कितने लीटर, पहले प्रकार का पूछा है, तो 1 भाग 5 के बराबर है, तो यहाँ पहले में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, तो भैया कितना है 35 लीटर, 35 लीटर आपका करेक्ट आंसर है, हाँ भाई 35 इज द राइट आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं, अब मिक्सचर पे आते हैं, ये आपने एलिगेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया है, अब थोड़ा मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए। चलो भैया आप टाइप को चेंज कर दिया, आपने डिमांड किया सर टाइप को चेंज कर दिया, यहाँ से मिक्सचर चालू हो गया, यहाँ से मिक्सचर का टाइप चालू हो गया है, ये टाइप है भैया आपका मिक्सचर का, अभी आपको एलिगेशन मैंने सिखाया, आप थोड़ा मिक्सचर मिश्रण के टाइप पे आ जाइए, हाँ भाई अब मिश्रण के टाइप पे आ जाइए, मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, आप मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, देखो बेटा सवाल पहला आपके सामने है, यहाँ टाइमर को लगाया, ये 0-0, पहले आप क्वेश्चन को बना के देखिए, उसके बाद फिर मैं सवाल को 1 by 1 मिक्सचर के टाइप से हम कैसे कैसे सवाल को करेंगे, और स्पीड से लाइक और शेयर करते हुए जाना है, जय महाकाल बोलते हुए जाइए। नहीं अभी तो हाँ एलिगेशन ही, ये एक क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर एलिगे, हाँ इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और है, ये आपका जो है एक क्वेश्चन और है एलिगेशन का, अभी इसके बाद हम लेके आएंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ 11वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे, अभी एक क्वेश्चन और है आपका एलिगेशन का, ये एलिगेशन से हो जाएगी, तो एलिगेशन से हो जाएगा, करिए इसको जो है, ये तो एलिगेशन से हो जाएगा, करिए करिए जल्दी से, शाबाश शाबाश, जय श्री राम जय श्री राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहता किस अनुपात में शुद्ध स्प्रिट के साथ 35% स्प्रिट को मिलाया जाए ताकि 56% स्प्रिट का परिणामिक मिश्रण प्राप्त हो, भैया इतनी देर में सवाल निकल जाते हैं, जब वो शुद्ध स्प्रिट की बात कर रहा है, वो शुद्ध की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुद्ध, जब वो शुद्ध की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो सवाल में दिमाग नहीं लगाना था बेटा, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग मत लगाइए, जब वो शुद्ध की बात कर रहा है तो शुद्ध को कितना ले लेंगे 100%, शुद्ध को आप 100% ले लीजिए, 100% शुद्ध को ले लिया है, क्या है 35% है, और मिश्रण कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 56% में मिलाना है भाई, तो भैया 56% द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन 56% में मिलाना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, ये लास्ट को, इसके बाद फिर हम मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे बेटा,
100 में से 56 को निकालिए, 10 में से, हाँ 100 में से, हाँ 100 में से 56 को माइनस करिए, कितना आ गया भैया, 10 में से 6 गया 4, 4 44 आ गया, ठीक बात है। और 56 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 6 में से 5 गया 1 और 5 में 3 गया 21:44, ऑप्शन देख लीजिए 21:44 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है भैया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दे एक बार, जो मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल, गर्दा 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 सर मजा आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, दबा के लाइक और शेयर, 2000 हो जाना चाहिए था। अब आपको एलिगेशन के मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, सारे क्वेश्चन आपके एलिगेशन के से, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 से देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 ये एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे है। जब आपको मिश्रण दे रखा हो, देखिए 3:3 अगर आपको दे रखा हो, क्वेश्चन नंबर 2 एलिगेशन से, क्वेश्चन नंबर 3 एलिगेशन, एलिगेशन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 क्वेश्चन एलिगेशन से करवाए। अब यहाँ से मिक्सचर को स्टार्ट करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर, मिश्रण पे जो कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है, मिश्रण पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को कैसे मुंह जवानी करेंगे। ले भैया टाइमर, पहले सवाल को आप करिए फिर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। शाबाश शाबाश, थोड़ा सा उड़ाइए 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 उड़ाइए, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा उड़ना चाहिए। ज़्यादा समय मत लीजिए इन सवालों के ऊपर, सवाल को पढ़ते जाइए। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। ये दूध को लिख लीजिए भैया और ये पानी को लिख लिया, ठीक बात है कि नहीं है। पहला अनुपात दे रखा है 3:1, दूसरा अनुपात दे रखा है 4:1। अब ध्यान से सुनेंगे इस बात को, देखो मेरे प्यारे बच्चों जो मैं समझा रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है 20 लीटर का दे रखा मिश्रण, मिश्रण में दूध और पानी दोनों मिक्सचर होगा। कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए, अगर दूध को डालने की बात कर रहा है, इस लाइन को पढ़ेंगे आप, दूध को डालने की बात कर रहा है तो पानी को समान करना पड़ेगा। दूध को डालने की बात कर रहा है तो पानी की वैल्यू को समान करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, हिंदी में कहें तो सेम करना पड़ेगा, ठीक बात है कि नहीं है। और यहाँ पे पानी के रेशो सेम ही दे रखे हैं, 1:1, पानी के रेशो सेम दे रखे हैं। अगर दूध डालने की बात कर रहा है, कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए जिससे कि दूध और पानी का अनुपात आपका 4:1 हो जाए, तो याद रखिए कि पानी के रेशो को समान करना पड़ेगा, जबकि पानी का रेशो ऑलरेडी इसमें समान है, ठीक बात है कि। तो बेटा देखो ये 3:1 हैं, ये 4:1 हैं, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 1:1 का डिफरेंस है, ठीक बात है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में मुझे जो दे रखा है, ध्यान दीजिए सवाल में जो मुझे दे रखा है 20 लीटर का मिश्रण है, तो मेरे पास टोटल रेशियो कितना है भैया, हाँ 20 लीटर का, हाँ 20 लीटर का मिश्रण कहता है, 20 लीटर का मिश्रण कह रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है, 20 लीटर का मिश्रण कह रहा है, हाँ बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार, 20 लीटर का मिश्रण कह रहा है। तो मेरे पास जो, देखो मेरे पास जो एक्चुअल रेशियो है, देखिए ये मेरा एक्चुअल रेशियो है, तो कितना है 3:1, कितना है 4:1, तो 4:1 देखो ये दूध और ये पानी, दूध का 3:1 है, पानी का 1:1 है, 3:1 कितना हो गया 4, इसका सम कर देंगे तो भैया 3:1 कितना हो गया 4:1, 4:1 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे, 20 के बराबर है, 4 से काट दूंगा 4×5=20, तो 1:1 का वैल्यू किसका आ गया बेटा, 5 के बराबर आ गया, ठीक बात है कि नहीं है। 1:1 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो सवाल में वो यही पूछ रहा है इस मिश्रण को कितना दूध और डाला जाए, तो भैया कितना एक्स्ट्रा डल रहा है, 1:1 है एक्स्ट्रा, तो 1R का वैल्यू कितने के बराबर है, 5 का, तो सीधा यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना एक्स्ट्रा डाला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 लीटर। देखो कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बताऊँ। ये दूध ये पानी ये 3:1 किस अनुपात में मिलाया जाए, कि दूध कहता है कि इस मिश्रण में, देखो ये लैंग्वेज को यहाँ पर पढ़ो,
ये कहता है इस मिश्रण में दूध को डाला जाए, दूध को डाला जाए। जब वो दूध को डालने की बात करेगा तो पानी को समान करेंगे, अगर पानी डालने की बात करेगा तो दूध की वैल्यू को समान कर देना। अब पहले तीन था दूध, अब चार है, तो कितना बढ़ रहा है, एक आर एक रेशो बढ़ रहा है। ठीक बात है कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहता है भैया, टोटल तीन और एक कितना हो गया, चार, टोटल है 20 लीटर, तो मेरे पास चार रेशो हैं, चार रेशो 20 के बराबर हैं, एक रेशो 5 के बराबर, कितना रेशो है दूध का, एक रेशो है, एक रेशो एक्स्ट्रा है कि नहीं है भैया, तो एक रेशो एक 5 के बराबर है, तो 5 से गुणा कर दे 5 लीटर। जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, जल्दी से जल्दी टाइमर को ले लेते हैं बेटा, टाइमर महोदय, जय श्री राम जय महाकाल करते जाइए भैया। एक 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, दूध और पानी 4:5 में है, इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए। अब भी दूध डालने की बात कर रहा है, जब वो दूध को डालने की बात कर रहा है या तो पानी की मात्रा समान होगी, अगर समान नहीं है तो उसको समान भी करना पड़ेगा। हाँ, डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए जय महाकाल बोल के, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, या तो पानी की मात्रा सेम होगी, अगर सेम नहीं होगी तो बेटा उसको सेम करना पड़ेगा। चलिए शाबाश शाबाश, जय महाकाल जय श्री राम बोलते जाइए, जय महाकाल जय श्री राम। गर्दा 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 गर्दा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा इतनी देर में सवाल हो जाता है, आपको ऐसा ऐसा कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ, इतनी देर में आप सवाल को कर जाओगे। देखो भाई, ये मिल्क और ये वाटर, MNW लिख दिया, मिल्क एंड वाटर। ठीक बात है कि नहीं है। पहला रेशो दे रखा है 4:5, पहला लिख दिया भैया 4:5। दूसरा रेशो दे रखा है 6:5, कितना दूध मिलाया जाए कि भैया 6:5 हो जाए। 5:5, जब दूध को मिलाया जाएगा तो पानी की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो पानी का वैल्यू सेम रहेगा, दूध को मिलाया जाएगा तो पानी सेम रहेगा, जबकि पानी सेम ऑलरेडी दे रखा है। ये 4:4 है, ये 4:4, तो ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, जब ये पानी सेम है तो ये देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 2:2 बढ़ रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो सवाल में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सवाल में दे रखा है, 5 और 4 कितना हो गया, 5 और 4, ये दूध और ये पानी, 5 और 4 कितना हो गया, 9:9। दूध और पानी का टोटल वैल्यू कितना है, 45 लीटर का मिश्रण है भाई, 5 लीटर, 4 पानी हो गया, 4 दूध हो गया, 5 पानी हो गया, 5 4 9, टोटल 9 हो गया। 9 किसके बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 45 के बराबर हो गया है, 9 से काट दूंगा। 1:1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया बेटा जी, 5 के बराबर आ गया। कितने रेशो हैं, 2 रेशो हैं, 2 × 5, 5 × 2 कितना हो गया भैया, 10 लीटर, 10 लीटर, कितना लीटर और मिलाया जाए भाई, 10 लीटर और दूध मिलाया जाए, जिससे कि ये रेशो हो जाएगा 6:5। जय श्री राम बोल दो, 10 लीटर और दूध मिलाया जाए जिससे कि रेशो कितना हो जाएगा, 6:5। जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम आगे बढ़ते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। हाँ, ये पहले है, देखिए ये पहला रेशो है, इस बात को लिख सकते हो, ये पहले है और ये बाद में है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को सुनो, ये पहले है और ये बाद में है, ये बाद का रेशो, ये पहले का है और जब वो मिलाया गया, जब बाद का रेशो आपका ये है। ठीक बात है कि नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन को लीजिए, सवाल नंबर 13, जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, शाबाश 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 शाबाश। आओ भाई कंप्यूटर महोदय लीजिए भैया टाइमर, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा मचना चाहिए, शाबाश शाबाश शाबाश, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, तांबा और जिंक। देखिए जिसको मिलाना होता है, ठीक है ना, हाँ जिसको मिलाना होता है उसकी अपोजिट वैल्यू को सेम करेंगे। अब इस सवाल में कह रहा है 60 किलोग्राम कांसा है, 60 किलोग्राम कांसे का मिश्रण है और तांबा, कांसा है मतलब जो है मिक्सचर है, और कह रहा है तांबा मिश्रण में तांबा और जिंक दे रखा है, तांबा और जिंक दे रखा है, कॉपर और जिंक दे रखा है, 4:1 में है, यदि कुल मात्रा में कांसा जिंक और मिलाया जाए, तांबा और जिंक का अनुपात ये हो जाए। अब वो जिंक को मिलाने की बात कर रहा है, अगर वो जिंक को मिलाने की बात कर रहा है इसका मतलब तांबे को, जिंक को मिलाने की बात कर रहा है तांबे को सेम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे है, या तो वैल्यू सेम होगी या उसको सेम करना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब आपका यही है, आप समझिए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तांबा और जिंक का रेशो दे रखा भाई, सीधी सी बात है, लिख लो, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये तांबा और ये तांबा और क्या है जिंक, हिंदी में लिख देता हूँ,
जिंक, ठीक बात है कि नहीं। देखो सवाल को समझो, या तो रेशो समान होगा या फिर उसको समान करना पड़ेगा। कह रहा है कि 4:1, पहला है बेटा 4:1, फिर कह रहा है किस मात्रा में मिलाया जाए ताकि तांबे रेशो को 3:2 हो जाए, फिर ये हो जाए भैया 3:2। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर आपसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था क्वेश्चन के, अगर कंसेप्ट को आप लोग समझ गए ना तो सवाल आसान नहीं है। वो कह रहा है कि यदि इस मिक्सचर में, ये मिक्सचर है कहाँ से, मतलब इस मिक्सचर में जिंक और मिलाया गया, अगर जिंक को मिलाने की बात कर रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है, देखो जिंक को मिलाने की बात कर रहा है, हाँ तो जिंक को मिलाने की बात कर रहा है, तो ये जो तांबे का वैल्यू है इस तांबे को सेम करना पड़ेगा, मिला रहे हैं जिंक को तो इसका मतलब तांबे को समान करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। जिंक को अगर मिलाया गया तो तांबा को तो समान करना पड़ेगा ना, तो तांबे को समान कैसे करेंगे बच्चे, इसका 3 है तो भैया 3 से यहाँ पे गुणा कर दो, 3 से यहाँ पे गुणा कर दो बेटा, इसका 4 है तो बेटा जी 4 से यहाँ पे गुणा कर दो बेटा, 4 से यहाँ पे गुणा कर दो, इतना तो आप सब लोग समझ सकते हैं, क्लियर है। रेशो को बराबर करना होता है, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12, 4 2 8, बात को समझ रहे हैं, 4 3 12 12 12, हाँ ये हो गया है, सिंपल सी बात है, 12 8, हाँ आप देखिए ये कितना कितना मिलाया जा रहा है, जिंक की बात कर रहा है ना, जिंक को मिलाया गया, पहले जिंक के 3 रेशो थे, अब ये 8 रेशो हैं, तो कितना रेशो बढ़ रहा है जिंक का, ये तो समान हो गया भाई, ये तो बराबर हो गया है, बराबर कर दिया इसको, तो 5 रेशो हैं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने जो कहा है, प्रश्नानुसार की जो बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उस चीज़ को समझिए, ठीक है। प्रश्नानुसार वो जो बात कर रहा है, प्रश्नानुसार उसने कहा है 60 किलोग्राम, मिक्सचर कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, मिक्सचर दे रखा है 60 किलोग्राम, इस बात को समझेंगे। देखो ये पहले है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये पहले है और ये मिलाने के ये बाद में है, ये बाद का रेशो है, ये पहले का रेशो है, ये बाद का रेशो, बेटा याद रखना मैं फिर बता रहा हूँ, ये पहले का रेशो, ये बाद का रेशो, तो आपने जो रखना है ना, जो इक्वल रखना है, जो 60 के इक्वल रखना है, वो हमेशा किसका रेशो रखा जाएगा बेटा, पहले का टोटल रेशो रखा जाएगा। तो जिंक के कितने हैं ये, इसके तांबे के 12 और इसके 3 रेशो, इसका टोटल सम कर लीजिए, 12 और 3 कितना हो गया बेटा जी, 15, तो 15 रेशो किसके बराबर हैं बेटा, 60 किलो के बराबर है, 15 से काट दूंगा, 1 रेशो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। जिंक के कितने रेशो हैं बेटा जी, 5, तो 5 × 4, 5 × 4 कितना आ गया भैया, 20 kg आ गया। तो सवाल में ये पूछा था जिंक कितना मिला गया, देखो 1 रेशो का वैल्यू 4 के बराबर है, तो जिंक के कितने रेशो हैं भैया, 5 रेशो, तो 5 रेशो हैं, तो 5 × 4 कितना हो गया, 20। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जैसे हम पे दबा के लाइक और शेयर ठोकते चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए आपके लिए महामैराथन लेके आया हूँ, दबा के लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करने का मेरे प्यार बच्चों। चलिए चलिए देखो फिर से सीख लीजिए, तांबा और जिंक दे रखा था, अगर वो जिंक मिलाने की बात कर रहा तो तांबा की वैल्यू को सेम कर देंगे, तो सेम करने के लिए मैंने क्या करा, जो नीचे वैल्यू थी उससे ऊपर कंप्लीट में गुणा कर दिया, जो 4 था उससे नीचे कंप्लीट में गुणा कर दिया, तो इसके 12 रेशो, इसके 3, इसके 12 रेशो आ गए, इसके 8। अब ये देखिए पहले 3 रेशो थे जिंक के, अब 8 है, तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, ठीक बात है कि नहीं। अब मैं देखता हूँ जो सवाल में कंडीशन है, 60 किलोग्राम है मिक्सचर, मेरे पास कितना है, पहले मिक्सचर कितना था मेरे पास, 12 और 3 15, 15 किलोग्राम 60 के बराबर, 1 किलोग्राम 4 के बराबर, बढ़ कितना रहा, 1 रेशो 4 के बराबर है, तो 5 रेशो, तो 5 × 4 कितना हो गया। जय श्री राम बोल दो भैया, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, शाबाश शाबाश शाबाश, लीजिए भैया अगला क्वेश्चन, जय श्री राम बोलते जाइए, अगला क्वेश्चन करिए, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, गर्दा मचा दिया भैया आप लोगों ने। 200 लीटर का मिलावटी दूध, 20% पानी, इसमें से कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध 40% हो जाए, बहुत शानदार और प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। भाई जिसको मिलाने की बात कर रहा है, अगर पानी को मिलाने की बात कर रहा है तो दूध को सेम कर देंगे, देखो पानी को मिलाने की बात करेगा दूध की वैल्यू को सेम कर दीजिए, दूध को मिलाने की बात करेगा तो पानी की वैल्यू को सेम कर दीजिए, हाँ बस इतना याद रखिए, पानी की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन को समझिए बेटा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ, बात को समझिए,
जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम, जय महाकाल। देखो दूध को, देखो बात को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, एक ही कॉन्सेप्ट में आप सवाल समझ जाओगे। हाँ भाई, दूध और पानी, देखो इधर समझिए, ये दूध और ये पानी, देखो बात को समझेंगे एक बार में ही आप सवाल समझ में आ जाएगा। ये 200 लीटर का, तो ये 200 लीटर तो ये टोटल है, ठीक बात है। सवाल में जो कह रहा है इस बात को समझेंगे, ये कह रहा है 20% पानी है, 20% पानी हो गया। अगर 20 पानी हो गया तो भैया दूध कितना हो जाएगा, 80। क्लियर, ये बात समझते हैं। अगर 20% पानी है तो 80% क्या हो गया, दूध। टोटल तो 100 होता है हमारा, सीधी सी बात, 100% पे लेके चलते हैं। कहता है इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। अगर पानी को मिलाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब दूध को समान करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि दूध 40% हो जाए। 40% अगर दूध हो जाएगा, 40% दूध हो जाएगा तो पानी कितना आएगा भैया, 60। हाँ, जिससे कि दूध 40% अगर दूध हो जाएगा तो पानी कितना होगा, 60। देखो बेटा इस बात को समझ लेना थोड़ा सा, ये पहले मैं लिख देता हूँ हिंदी में आपको, ये पहले है बेटा जी, ये बाद में है। इससे आसान भाषा में नहीं समझा सकता। पहले था 80-20, बाद में था ये। रेशो को निकाल लेते हैं, जीरो से जीरो को काटा, जीरो से जीरो को काटा, दो से काटा, दो एकम दो, दो से काटा, दो दुना चार, चार अनुपात एक तो ऊपर का आ गया, दो से काटा, दो तिया छः, दो से काटा, दो दुना चार, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई, या फिर इसको चार और छः रहने दो, क्योंकि हमें किसको मिलाना है, किसको मिलाना था हमें, जो है ये कितना पानी और मिलाया जाए। अगर पानी मिलाया जाए तो दूध की, कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए तो दूध की मात्रा को सेम करना है ना, तो नीचे के वैल्यू को मत काटिए। हाँ, नीचे के वैल्यू को मत काटिए, दोबारा से गुणा करनी पड़ जाएगी, नहीं तो ये 60 था और ये 40 था, तो जीरो से जीरो काट दीजिए बस। देखो ऊपर का आ गया 4:1, नीचे का आ गया 4:6। हाँ भाई, मैंने इसलिए नहीं काटा नीचे की वैल्यू को, क्योंकि इसको समान करना था, दूध को समान करके, जब पानी को मिला रहा है तो दूध को समान कर देंगे ना। अरे बेटा, पानी को मिला रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, पानी को मिलाया जाए तो इसका मतलब दूध को समान करना पड़ेगा, दूध के रेशो, ये दूध के रेशो को सेम करना पड़ेगा, याद रखिए ये दूध का रेशो है, इसको समान कर दीजिए जब पानी को मिला रहा है। तो यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे 6:1 है, कितना रेशो बढ़ा भाई, ये 1:1 था, ये 6:1 था, कितना बढ़ा, 5:1, ठीक बात है कि नहीं है। अब सवाल में जो दिया है, वो टोटल दिया है 200 लीटर, सवाल में जो दिया है वो टोटल कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 200 लीटर दिया है, सिंपल सी बात है। तो भैया ये देखिए मिक्सचर हो गया दूध और पानी। पहले मैंने क्या कहा, हमेशा पहले को लेना है, पहले को जो लेना है, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 4 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 5, तो 5 पहले को हमेशा लेंगे, 4 और 1 5, मिक्सचर हो गया 5, 5 जो बराबर है वो 200 के बराबर है, 5 से काट दूंगा, 1:1 किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। कितने रेशो हैं, कितना पानी और मिला जाए, कितने पानी के कितने हैं, 5:1, 1:1 40 के बाद, 40 से यहाँ गुणा कर दो तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 200 लीटर, 200 लीटर आपका राइट आंसर है, 200 लीटर ऑप्शन इज द राइट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। देखो दूध और पानी, अब सवाल में कह रहा है कितना पानी और मिला, जब पानी की बात कर रहा तो मैंने दूध की मात्रा को सेम कर लिया, इस वैल्यू को मैंने काट दिया, 4:1 में आ गया, इसको इसलिए नहीं काटा, ये 4 और 6 को रखा, क्योंकि 4 और 4 इसका मतलब दूध इसमें सेम हो जाएगा, दो दो बार गुणा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, जय श्री राम बोलते जाइए। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, देखो एक ही ट्रिक से सारे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अगर मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर कर दो बेटा, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, टाइमर को लगा देता हूँ, एक ही ट्रिक बता रहा हूँ, एक ही ट्रिक से सारा क्वेश्चन उड़ाते जा रहे हैं, अगर आपको दिल से अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर दे भाई, शाबाश 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 शाबाश। चलिए जल्दी से उड़ाइए, बहुत बढ़िया, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल को आप लोग बना दोगे बेटा। आपके लिए बड़ी बड़ी क्लासें लेके आता हूँ, मैराथन क्लासें लेके आता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए आपके लिए मेहनत करता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए टाइप करता हूँ तब मैं लेके आता हूँ। हाँ इसमें इस लाइन को पढ़ लिया करो, 40 लीटर के मिलावटी दूध में 60% दूध है, और ये कहता है इसमें कितना लीटर दूध। अब वो दूध को मिलाने की बात कर रहा है, जब वो दूध को मिलाने की बात कर रहा है तो पानी की वैल्यू को क्या कर दीजिए,
पानी का वैल्यू को समान कर दीजिए, बस इस बात को समझेंगे। जब वो दूध को मिलाने की बात कर रहा है तो पानी की वैल्यू को सेम कर दीजिए, अगर पानी का रेशो सेम नहीं है तो उसको सेम करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। जय श्रीराम जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा 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 गर्दा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। देखो इतना समय नहीं लगाएंगे मेरे प्यार बच्चों, इतना टाइम नहीं लगेगा सवाल में। दो ही बातें मैंने आपको सिखाई हैं, दूध और पानी। लिख लो बेटा, यहाँ पे दूध लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लिया आपने पानी, बस। सवाल में देखो जो सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है। 60% दूध है, 40 लीटर के मिश्रण में 60% दूध है। अगर 60% दूध होगा तो पानी कितना हो जाएगा, 40। भाई टोटल तो 100% टोटल 100% होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाएगा ताकि मिश्रण में 10% पानी 10% हो। अगर 10% पानी होगा तो भैया 90% दूध होगा। ये तो सब लोग समझते हैं बेटा जी। अब रेशो को बराबर कर देंगे। देखो भाई, 0 से 0 यहाँ भी कटेगा, 0 से 0 यहाँ भी कटेगा। हाँ, अगर हम ऊपर को देखते हैं तो रेशो 9 आना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर की वैल्यू काट दूंगा। 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से कट जाएगा 2 2 4, ठीक बात है कि नहीं है। तो ऊपर का रेशो आ गया 3:2, नीचे का आ गया भैया 9:1। अब आप इसको समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है दूध को मिलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब पानी की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, इसको सेम करना पड़ेगा। इसके 2 हैं तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके इक्वल में ठीक रहेगा। ये हो गया 3 और ये 2 और 9 दुनी हो गया 18, और ये कितना हो गया भैया, ये 2 हो गया। अब देखिए, ये मिल्क था और ये वाटर था। अब वाटर सेम हो गया ना, जब दूध को मिलाने की बात कर रहा है तो वाटर को मैंने सेम कर दिया, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम, वाटर को सेम कर देते हैं। जब दूध मिला रहा है तो पानी को वैल्यू को समान कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 रेशो थे, यहाँ पे 18 है, कितना बढ़ रहा है बेटा जी, 15 रेशो बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, कितना बढ़ गया, पहले 3 लीटर दूध था, 18 लीटर हो गया, तो कितना लीटर बढ़ गया, 15 लीटर बढ़ा के नहीं बढ़ा। अब हम 1 रेशो का वैल्यू को निकालेंगे। 1 रेशो का वैल्यू कैसे निकलता है, ये मिक्सचर है, ये पहले है, मैं फिर बता देता हूँ। ये जो पहला, देखो ये रेशो पहला है, ये पहले है, पहले का रेशो है, और ये क्या है, बाद का रेशो है। तो हमेशा किससे कंपेयर किया जाता है, पहले के रेशो से कंपेयर किया जाता है। ये 3 रेशो है, ये 2 रेशो है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 रेशो किसके बराबर है, टोटल के बराबर रख दीजिए बेटा जी, 40 के बराबर है। 5 से बच्चे मैं काट दूंगा, तो R बराबर 5 8 कितना हो जाता है, 40। R का 1 रेशो का वैल्यू कितना आ गया बेटा जी, 8 आ गया। कितने रेशो हैं, 15, तो 15 रेशो हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 रेशो का वैल्यू बेटा जी 8 आ गया है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 8 कितना होता है, 120। हाँ भाई जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने क्या सिखाया आपको, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए। जब वो सवाल में दूध को मिलाने की बात कर रहा है तो मैंने जो पानी का वैल्यू था, पानी का रेशो था 1 और 2 और 1, तो मैंने इसको समान कर दिया, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया, ये 18 रेशो, ये 2 रेशो। पहले 3 रेशो 18, कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है, ठीक बात है कि नहीं। इसका मतलब जो बढ़ रहा है वो दूध का ही तो बढ़ रहा है, पानी का तो समान कर दिया है। तो मुझे इस 15 आर के यहाँ पे 1 रेशो का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। उसके लिए जो पहले जो रेशो है उसका सम करिए, 3 और 2 5, ये 5 टोटल के बराबर होगा भैया। कितना लीटर मिश्रण दे रखा है, 40, 5 40 के बराबर, 1 रेशो 8 के बराबर हो गया, 15 8 120। जय श्री राम बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, चलो बेटा आज अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ बेटा, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, अब क्वेश्चन को करते जाइए। आपको कंसेप्ट बहुत शानदार सिखाया हूँ, टाइप को चेंज करूँगा एक बार, चिंता मत करिए, थोड़ा टाइप चेंज करूँगा, चिंता मत करिए, जल्दी से जल्दी। लो भैया, इसके बाद टाइप चेंज करूँगा, जल्दी से जल्दी करिए। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई, इसके बाद टाइप को चेंज कर देंगे, चिंता मत करिए। हाँ, चिंता मत करिए, टाइप को चेंज कर देंगे। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। सेम टाइप है, कर लेंगे, टाइप को चेंज करें थोड़ा।
सेम टाइप है, कर लेंगे, टाइप को चेंज कर दें। शाबाश शाबाश शाबाश, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। ये दो तीन क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा टाइप को चेंज कर, ये सेम टाइप क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये भी सेम टाइप का आपका क्वेश्चन है, ठीक बात है कि नहीं। ये दोनों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। चलिए भैया टाइप को चेंज कर दिया, आपने कहा सर टाइप को चेंज कर दो, लो बेटा टाइप को चेंज कर दिया है, जो टाइप मैंने सिखाया था टाइप चेंज हो गया है, लो बेटा टाइप को चेंज कर दिया, जो आपने कहा टाइप को चेंज कर दिया, ले बेटा आप टाइप को चेंज कर दिया, ठीक बात है कि नहीं। चलिए चलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पढ़ाता हूँ, चिंता मत करिए। हाँ भाई शाबाश 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 शाबाश, चलिए चलिए जल्दी से थोड़ा स्पीड के साथ, शाबाश शाबाश, वो प्रैक्टिस के लिए हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चिंता करने का जरूरत नहीं है। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। हाँ भाई शाबाश 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 शाबाश, टाइप को चेंज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 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 थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए भाई, मज़ा जब आता है थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस चले दबा के। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे भैया, देखिए कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले, हाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ाऊंगा, नए नए टाइप्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। चलो भाई भाई जल्दी से लाइक और शेयर, इतनी देर में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। टाइप को चेंज कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल पढ़ाऊंगा, एक टाइप जो मैंने आपको पढ़ा दी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक बात है कि नहीं है। चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, दो बर्तन कहता है ए और बी, दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5:3 और 3:5, कहता है दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में बताइए दूध और पानी का रेशो समान हो जाए। देखो बेटा ये नया टाइप है, ठीक है ना, दो बर्तन दे रखे हैं ए और बी, ये दूध और ये पानी, जब दूध और पानी को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, मिक्सचर। देखो दूध पानी इन दोनों को मिला दिया तो मिक्सचर बन गया, जिसको हिंदी में आप कहते हैं मिश्रण, ठीक बात है कि नहीं। पहला रेशो दे रखा है बेटा जी 5:3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, इसको हम ये कह सकते हैं मिश्रण जो है ना, ये मिश्रण का कैपेसिटी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, मिश्रण का कैपेसिटी है 5 और 3 8 पहला, दूसरा फिर मिलाता है 3 और 5, 3 और 5 का सम करिए भैया कितना हो गया 8। देखो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, 5 और 3 का सम किया तो 8 आ गया, 5 और 3 और 5 का सम किया तो 8। अगर मिश्रण की कैपेसिटी बराबर है, देखो मिश्रण का कैपेसिटी बराबर आ गया, मिश्रण की जो क्षमता है, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, अगर मिक्सचर का जो मिक्सचर आपको दे रखा है उसका कैपेसिटी आपका बराबर है तो क्वेश्चन में सोचने का जरूरत नहीं है, तो दूध और पानी की जो वैल्यू है उनको बेटा जी ऐड कर दीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 और 3 8 हो गया, 8 को 8 से काट दीजिए कितना आ गया 1:1, 1:1 में मिलाया जाए, कितने मिलाया जाएगा बेटा जी, देखो जी या तो इनका कैपेसिटी बराबर होगा, जैसे 8 और 8 आ गया, या तो इनका कैपेसिटी बराबर होगा, या तो मिक्सचर की कैपेसिटी बराबर होगी, या इसकी कैपेसिटी को बराबर करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे 8 है यहाँ पे 16 हो तो इसको फिर बराबर करना पड़ेगा, ठीक बात है। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, लीजिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, शाबाश शाबाश शाबाश, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। कहता है ए और बी अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 दोनों दोनों प्रकार के बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सी में नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी, अब देखिए टाइप चेंज है, ये भी आधा अम्ल और आधे पानी की बात कर रहा है, इसमें मिक्सचर और एलिगेशन दोनों एक साथ कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, आधा अम्ल और आधा पानी, शाबाश 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 शाबाश, चलिए जल्दी से जय महाकाल। अच्छा टाइमर नहीं दिया, लो बेटा टाइमर दे देते हैं भाई, टाइमर के साथ आपको अच्छा लगता है, टाइमर के साथ उड़ाइए 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 जल्दी से, टाइमर के साथ उड़ाइए, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार शानदार, देखो इसमें मिक्सचर और एलिगेशन दोनों कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। हाँ 30 सेकेंड का टाइमर देते हैं भैया आप लोगों के लिए, इतना समय नहीं लगाते हैं, देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ऐसा ट्रिक इसका बता देंगे भैया, आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। अम्ल और पानी, एसिड एंड वाटर, लिख लो भैया ऐसे, एसिड और वाटर, एसिड एंड वाटर, ये वाटर है बेटा जी ये एसिड है, ठीक बात है कि नहीं है,
देखो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझते जाइए। ये ए, ये बी और ये सी में मिलाया जाए आधा अम्ल आधा पानी। पहला रेशो है 4:3, लिख लो बेटा 4:3। दूसरा है भैया 2:3, 2:3। तीसरा आधा अम्ल आधा पानी, 4:3 हो जाता है 7, 3 और 2 हो जाता है 5, 1 और 1 हो जाता है 2। कुछ नहीं करना, द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। हाँ भाई ध्यान से सुनते जाइए, सवाल में कह रहा है कि सी में बने नए मिश्रण को किस आधा किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। बात को समझिए, बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात पे। हाँ भाई देखो बेटा, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने का भी तरीका बता देता हूँ। एलसीएम लेने का तरीका 7, 5 और 2 के ऐसे गुणा कर दो, 7 × 5 × 2 ऐसे लिख दो। जब 7 से भाग करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 5 × 2 = 10 बचेगा। तो बेटा 10 से यहाँ पे गुणा होगी, 10 से यहाँ पे गुणा होगी, 10 से यहाँ पे गुणा होगी, ठीक बात है कि नहीं है? क्योंकि हमें ये जो कैपेसिटी है मिक्सचर का, इसको बराबर करना होता है, ठीक बात, मिक्सचर की कैपेसिटी को बराबर करना होता है। फिर 5 से भाग करूँगा तो 5 कट जाएगा, तो 7 × 2 = कितना, 14 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 14 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 14 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। फिर 2 से भाग करूँगा तो 7 × 5 = 35 से बेटा जी यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 35 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए बेटा जी, 35 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। देखिए बहुत आसान हो चुका है, अब सवाल में जान नहीं है। अब रेशो ले लीजिए ए बी सी का, ये ए का रेशो, ये बी का रेशो और ये सी का रेशो, ठीक है ना। 10 × 4 कितना हो गया 40, अनुपात 10 × 3 कितना हो गया 30 और इसका सम देखिए कैपेसिटी बराबर आएगा 70, 14 × 2 = 28 और इसका कथन 14 × 3 = 42। सम देखिए, देखिए 14 × 5 = 70, 35 × 1 = 35, 35 × 1 = 35 और ये कितना आ गया 70। बेटा मुझे समझाने का कंसेप्ट ये था कि मैं आपसे ये कह रहा था कि मिक्सचर की जो वैल्यू है ना, इसको बराबर करना पड़ता, मिक्सचर की वैल्यू को बराबर करना पड़ता, बस मिक्सचर की वैल्यू को बराबर करना पड़ता है, ठीक बात है कि? जैसे हमने क्वेश्चन किए थे कितना दूध मिलाया जाए, जब दूध मिलाने की बात कर रहा था तो पानी को इक्वल कर रहे थे पानी के रेशो को, जब पानी के मिलाने की बात कर रहा था तो दूध के रेशो को इक्वल कर रहे थे। वहीं जब ऐसे सवाल आपको पेपर में दिखाई देंगे तो आप क्या करोगे, मिक्सचर की वैल्यू को हम इक्वल करेंगे, ठीक बात है, मिक्सचर की वैल्यू को आप इक्वल करेंगे। जय श्री राम, जय मां काल बोलते जाइए। अब सवाल जो उसने पूछा, वो पूछा है कि दोनों बर्तनों को द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए। जब वो अनुपात की बात कर रहा है तो मैं जैसे मान लीजिए एसिड, मैं ये एसिड ले लेता हूँ, देखो ये एसिड, ये सब एसिड का वैल्यू है, ये देखो ये सब एसिड का वैल्यू है, एसिड से जो रेशो निकलेगा वाटर से, तो दोनों से बराबर आएगा। अगर मैं एसिड की बात करता हूँ, देखो बेटा ये एसिड 1 और ये एसिड 2, मैंने एसिड को ले लिया है, एसिड का वैल्यू कितना 40 × 28, ये ले लिया 40 और ये ले लिया 28 और एवरेज किस में मिलाना है भैया, किस में मिलाना है, जो सी है आधा अम्ल आधा, जब मिलाने की बात कर रहा है तो भैया ये 35 हो गया। तो देखो बेटा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, इस बात को समझिए, 40 में से 35 गया 5 आ गया, 35 में से 28 गया 7 आ गया। एसिड से भी निकाल सकते हो और वाटर से भी निकाल सकते हो, ये वाटर है, दोनों से बता देता हूँ बेटा जी, ये वाटर 1 और ये वाटर 2 ऐसे लिख लो, दोनों से रेशो सेम आएगा बेटा जी, ये 30 हो गया और ये 42 हो गया और एवरेज कितना हो गया भैया 35, क्योंकि आधा अम्ल आधा पानी, 35 है 35 हो गया। देखो बेटा 35 में से 30 जाएगा तो 5 बचेगा बेटा जी, 42 में से 35 जाएगा 7, दोनों केस में देखिए रेशो हमेशा समान आएगा, 7:5 आ गया और ये देखिए 7:5 आ गया, देख लीजिए 7:5 चाहे एसिड से निकाल लीजिए और चाहे वाटर से निकाल लीजिए, 7:5 आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए एक बार भैया। देखो बेटा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हूँ। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एसिड दे रखा, वाटर दे रखा है, जो क्वेश्चन आपके सामने हमने क्या लिखा, रेशो दे रखा था, तो मुझे मिक्सचर की वैल्यू को इक्वल करना है, ये जो मिक्सचर है ना इनको मिलाने पर जो रेशो, इसको वैल्यू को बराबर करना है, इसके लिए मैंने एलसीएम ले लिया, तो कंप्लीट से गुणा करना है, 7 से काटा 7 कट जाएगा, 5 × 2 = 10 की पूरे से कंप्लीट से गुणा कर दी, 5 से काटा 5 कट जाएगा, 14 की कंप्लीट से गुणा कर दी और 2 से काटा तो 7 × 35 की कंप्लीट से, तो ये रेशो को बराबर कर लिया है, मिक्सचर का रेशो जैसे बराबर होगा तो ये पहला ए, ये बी और सी में हमें मिक्स करना है, क्योंकि सी में आधा अम्ल और आधा पानी होना चाहिए, तो रेशो क्या होगा, वो 7:5 का रेशो। जय श्री राम बोल दो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो बेटा अगला क्वेश्चन लीजिए, चलो बेटा थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, चलिए
चलो बेटा जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलो बेटा, हाँ भाई, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए, सवाल को पढ़ें जल्दी से। कहता है सोने और कॉपर की दो मिश्र धातु ए और बी में ये 5:3 दे रखा है, ये 5:11 किस अनुपात में मिलाएं कि तीसरी धातु सी बनाने में दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिलाया जाए। तो सी में सोने और कॉपर का अनुपात, गोल्ड एंड कॉपर। शाबाश शाबाश। गर्दा उड़ाइए, गर्दा 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 गर्दा, जय श्री राम बोलते जाइए, गर्दा उठा जाइए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर के साथ अलग ही मज़ा आता है, आप भी जानते हैं टाइमर के साथ अलग ही मज़ा आता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ, कंजूसी ना करें भाई, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करना चाहिए भाई, दबा के लाइक और शेयर दबा के करिए। शाबाश शाबाश, इतनी देर में आंसर आ जाता है बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, भाई लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, इतनी देर में तो आंसर ला देते हम जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो बेटा ध्यान से सुने, सोने गोल्ड एंड कॉपर, ये गोल्ड है मेरे प्यारे बच्चों और ये कॉपर है, ये गोल्ड और ये कॉपर, ठीक बात है कि नहीं? हाँ भाई, गोल्ड और कॉपर, जय श्री राम बोलते जाइए। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे, गोल्ड और कॉपर की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार। पहला रेशियो है 5:3, 5:3 का पहला रेशियो, दूसरा है बेटा 5:11, 5:11, 5:3 बेटा जी होता है 8 और 5:11 बेटा जी होता है 16। ये हो गया मिक्सचर, यही मैंने आपको बताया था, बात को समझिए। सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल पे कंसंट्रेशन करना पड़ता है, कंसंट्रेशन सवाल पे करना पड़ता है। अब हम ये देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 16 है मिक्सचर का वैल्यू, यहाँ पे 8 है, ठीक बात है कि नहीं? तो इसको बराबर करना पड़ेगा, यहाँ 16 है तो 16 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा बेटा जी, यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा बेटा जी, यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा। 5 दूनी कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया बेटा, 6, बराबर में कितना हो गया, 16। देखो बेटा जी, ये 5 रेशियो, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, ये 16, ये 16 ऑलरेडी दे रखा था। सवाल बेटा जी यहाँ ख़त्म हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सीधा सीधा आंसर आएगा, 10 और 5 कितना हो गया बेटा जी, 15 हो गया, और 6 और 5 कितना हो गया, ये 17 हो गया, 15-17 का रेशो आ जाएगा, 15:17 रेशो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार, जय श्री राम बोलते जाइए, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, 15:17 इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। किस रेशो में मिलाया जाए, 10 और 5 15, और 11 और 6 कितना हो गया, 17, जय श्री राम बोल दो एक बार। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, शाबाश, अगला क्वेश्चन स्पीड के साथ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़ते जाइए। 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, पहला 2:1, फिर 3:2 दे रखा, 5:3 दे रखा, समान मात्रा में मिलाया जाता है और मिश्रण में बनाएं। देखो एक ही ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, मिक्सचर जो आ जाएगा उसकी कैपेसिटी को, उसकी वैल्यू को बराबर करना, रेशो को बराबर करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप मुंह जवानी उड़ा दोगे। चलो भैया टाइमर के साथ करिए, शाबाश शाबाश शाबाश, जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम बोलते जाइए। पानी और अम्ल का अनुपात बताइए कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पीड के साथ करिए, शाबाश 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 शाबाश, इतनी देर में आंसर आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, देखो माय डियर इतना समय नहीं लेंगे बेटा, इतना समय नहीं लेंगे, हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल प्रैक्टिस करवाए, लाइक और शेयर दबा के टोकते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए भाई, जय महाकाल बोलते जाइए, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी की बात कर रहा है, एसिड एंड वाटर, ठीक बात है कि नहीं? 3 प्रयोग दे रखा है एसिड एंड वाटर, लिख लीजिए भैया, एसिड वाटर और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, मिक्सचर आ जाएगा, इधर से लिखता हूँ यहाँ पे ठीक रहेगा, ये एसिड, ये रेशो हो गया वाटर का बेटा जी, और इक्वल में जो आएगा वो मिक्सचर आएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन मुँह जवानी बन जाएंगे, सारा क्वेश्चन मुँह जवानी बना दोगे मेरा वादा है। पहला जो रेशो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे वो है 2:1, दूसरा जो रेशो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों वो है 3:2, तीसरा जो रेशो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों वो है 5:3,
दो और एक कितना हो गया तीन, तीन और दो कितना हो गया पाँच और तीन कितना हो गया आठ। मैंने आपको सिखाया इन तीनों का एलसीएम ले लो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी को बराबर करना पड़ता है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी को बराबर करना पड़ता है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि इसकी कैपेसिटी को बराबर करना पड़ता है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। देखो बेटा, तो मैंने तीन पाँच आठ, अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता तो भैया एलसीएम लेने का ये कॉन्सेप्ट है, ये तीन पाँच आठ की सीधी ऐसी गुणा कर दो। ठीक बात है कि नहीं? अब ये जो तीन दे रखा है तीन से काट दीजिए बेटा। देखो बेटा जी, तीन से काट दीजिए, तीन से अगर मैं बच्चे इसको काट दूंगा तीन से ये कट जाएगा, तो आठ पंजे चालीस, चालीस से यहाँ पे गुणा, तीन से ये कट जाएगा तो चालीस से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। ठीक बात है कि नहीं है? और चालीस से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, और चालीस से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। ठीक बात है कि नहीं? जब पाँच से भाग दूंगा तो पाँच कटेगा तो आठ थी चौबीस, चौबीस से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, चौबीस से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, चौबीस से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। जब आठ से भाग करूँगा तो आठ कट जाएगा, पाँच थी पंद्रह से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, पंद्रह से यहाँ पे कर देता हूँ, और पंद्रह से यहाँ पे। ये जो मिक्सचर है इसकी वैल्यू को सेम करना पड़ता है, बस इस मिक्सचर को समा, मिक्सचर के रेशियो को बराबर करना पड़ता है। देखो चार थी अब आ रहा है 120 120 120, मिक्सचर का रेशियो जैसे ही आपका बराबर आ जाए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। देखो बेटा, चार दूनी आठ, पहला अनुपात आ गया 80:40, दूसरा तीन चौके बारह, तीन दूनी छः, तीन चौके बारह, तीन दूनी छः और एक सात, और ये आ गया दो चौक आठ, दो दूना चार, तीसरा आ गया भैया पंद्रह पंजे पचहत्तर होता है। ठीक बात है, और पंद्रह ती होता है पैंतालीस। अब इसका सम कर लीजिए, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। 80 72 75, अब इसका सम कर देंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका आंसर है 227/133, 227/133 आपका करेक्ट रेशियो है, 227/133 आपका करेक्ट रेशियो है। तो सवाल में आपसे यही पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, सवाल के अंदर जो आपसे पूछा गया था माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सवाल में आपसे ये पूछा गया था, तो पानी और अम्ल का रेशियो बताइए। तो पानी और अम्ल का जो एक्चुअल रेशियो आएगा वो आएगा 227/133। हाँ भाई, क्लियर है? जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नया क्वेश्चन देता हूँ और लीजिए, बहुत शानदार और प्यारा क्वेश्चन है, सवाल को पढ़े। चार बर्तनों में दूध और पानी, टाइमर महोदय थोड़ा सा आइए भाई इधर, सवाल को पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर सकते हो। बेटा टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया। चार बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बच्चे ने दे रखा है, दूध और पानी का जो रेशो दे रखा है वो 5:3 दे रखा है, 2:1 दे रखा है, 3:2 दे रखा है, 7:4 दे रखा है। कौन से बर्तन की मात्रा दूध की अपेक्षा पानी के संबंध में कम है? हाँ भाई, लास्ट लाइन को पढ़ा करो, बर्तन में, कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है? चलो भाई, जय श्याराम जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। शाबाश 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 शाबाश। देखो इस टाइमर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस किया करो, अगर इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा, देखिए परीक्षा जो होती है, पेपर जो होता है, इस बात का ध्यान रखिए, पेपर हमेशा टाइम मैनेजमेंट, कॉम्पिटिशन टाइम मैनेजमेंट में, टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आपसे बड़ा सूरमा कोई नहीं है। हाँ बेटा जी, ध्यान दीजिए इस बात पर, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, दूध और पानी दे रखा है, चार बर्तन में दे रखा है दूध और पानी, ये लिए ये दूध और ये पानी, बात को समझेंगे। चार बर्तन कह रहा है, दूध और पानी का अनुपात 5:3 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 5:3, फिर है 2:1, और फिर है 3:2। ठीक बात है कि नहीं? अब वो ये पूछ रहा है सवाल के अंदर, फिर एक दिया 7 और 4, सवाल में कह रहा है तो बताइए कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में, दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है, ये सवाल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना था, विद रेस्पेक्ट टू वाटर कह रहा है, तो दूध विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो 5:3, 2:1, 3:2 और 4:7, मैं इसे करूँगा तो भैया 3 × 3 आएगा और 3 × 6 = 1.6, ये 2 आ गया, और 2 से करूँगा तो 2 × 2, 2 × 5 = 10, 4 से करूँगा 4 × 4, 3 × 4 = 28। तो भैया कम किस में दिखाई दे रही है आपको, 1.5
कम किस्क में दिखाई दे रही है, तीसरे बर्तन में आपको दिखाई दे, थर्ड बर्तन में। तो तीसरा बर्तन आपका करेक्ट आंसर था भैया, थर्ड ऑप्शन आपका जो है। हाँ क्लियर है, विद रेस्पेक्ट टू बात करेंगे ना, अरे दूध की मात्रा पानी के संबंध में, तो दूध बटा पानी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मिल्क बटे वाटर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मिल्क विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये आ जाएगा। सीधी सी बात है कि नहीं है? तो मिल्क आपका दे रखा है और उसको वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है 1.6 से 2 है, तो देखिए 1.5 कम है कि नहीं है, तो सबसे आंसर क्या आ जाएगा भैया, थर्ड ऑफ, बिल्कुल एकदम। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से जल्दी थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए। चलो भाई चलो, शाबाश 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 शाबाश। अब मैंने ट्रिक आपको सिखा दी है भाई, जो मिक्सचर की वैल्यू है उसको बराबर कर दिया, मिक्सचर के रेशो को बराबर करना पड़ता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुंच चुके हैं, बहुत शानदार, जो बच्चा लगातार हमारे साथ बना हुआ है, अरे अपना नाम वाम बताते जाइए भाई, कौन कौन बच्चा हमारे साथ लगातार बना हुआ है, शाबाश। 25 पे हम पहुंच चुके हैं, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए। हाँ शाबाश 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 बेटा, हर लेवल का क्वेश्चन परीक्षा में आता है, इस बात का ध्यान रखिए। बढ़िया बढ़िया सवाल करवाऊंगा धीरे धीरे, अब टाइप को चेंज कर करके करवाऊंगा, चिंता मत करिए, टाइप को चेंज कर करके करवाऊंगा। हाँ बढ़िया बढ़िया सवाल जो है, जो टाइप हो चुका है उस टाइप को हम नहीं करेंगे, टाइप को चेंज कर करके करेंगे, ठीक बात है कि नहीं। चलो जल्दी से, जिस टाइप का सवाल हमने कर लिया वो आपका प्रैक्टिस के लिए होगा, बाकी वो क्वेश्चन हम करेंगे जो हम हमने नहीं किया, जिसको हमने टच नहीं किया। बेटा स्टॉप कर देते हैं, ठीक बात है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, देखो बढ़िया बढ़िया सवाल पढ़ाऊंगा, वो टाइप हम करेंगे जो हमने टच नहीं किया है। पहले कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को, ये टाइप तो मैंने वैसे आपको बता दिया है, ए और बी दे रखा है, दूध और पानी। बेटा जी आपने दूध को लिखा और फिर आपने पानी को लिखा, जय श्री राम बोलते जाइए। दूध और पानी कहता है, दूध और पानी में दे रखा है ए और बी, 5:3, ये ए है बेटा, ये आपका बी दे रखा है, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। ये कहता है 5:3, 11:5, 5:3, 11:5, 5 और 3 कितना हो गया, हाँ भाई 5 और 3 8 हो गया, 11 और 5 16 हो गया। मैंने आपको बताया था मिक्सचर की वैल्यू को इक्वल करना, अरे ये मिक्सचर का वैल्यू आ गया ना बेटा, ये मिक्सचर की वैल्यू को इक्वल करना है, सीधी सी बात है कि नहीं। मिक्सचर की वैल्यू को इक्वल, ये 16 है तो इसको 16 कैसे बनाएंगे, 2 से यहाँ पे गुणा करो, 200 यहाँ पे करो, 200 यहाँ पे करो, ठीक बात है कि नहीं। 200 में यहाँ पे गुणा करूँगा, ये 10 हो गया, ये 6 बराबर में 16 हो गया, और ये 11 था बेटा जी, ये 5 था और ये बराबर 16 था। देखो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से सुनिए, ये कितना हो गया बेटा जी, ये 21 हो गया, और ये 6 5 11 हो गया। हाँ ये इक्वल हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये देखिए मिक्सचर का वैल्यू इक्वल हो गया, तो इसको ऐड कर दिए, 6 5 11 और ये 21:11 ये देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका, जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। आप कुछ नई कैटेगरी पे चलें, इस टाइप का सवाल आप लोग कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, कर लोगे बेटा इस टाइप का सवाल, थम्स अप कर दीजिए अगर कर लेंगे, ठीक बात है। थोड़ा सा नई टाइप को लेते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए, सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 27, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई ये टाइप आप कर सकते हैं, थोड़ा सा नई टाइप पे चलते हैं, ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि ये टाइप मैंने आपको सिखा दी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस कर लेना बेटा जी, है ना। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 31, शाबाश शाबाश शाबाश। अब वो टाइप टच करेंगे जो टाइप आपने नहीं किया है, हाँ भाई शाबाश शाबाश शाबाश। चलो जल्दी से, बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दिया करो, थोड़ा सा देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप सीखना जरूरी होता है, एक जैसा टाइप आप सीख चुके हैं तो वो प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे, पीडीएफ आपको मिली जाएगी, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ बेटा पढ़ो, हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा एक टाइप का सवाल मैंने आपको सिखा दिया है, आपको बस प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक बात है कि नहीं। थम्स अप कर दो भाई, बहुत बढ़िया। 40 लीटर के मिश्रण में, भाई लाइक भी ठोकते जाइए, थोड़ा सा लाइक कम से कम 3000 पे हो जाना चाहिए था अब तक। 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी दे रखा है, इसमें पानी की मात्रा 10%, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। मैंने अभी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, मैंने बताया था पानी की मात्रा मिलाने की बात कर रहा, तो दूध की मात्रा को सेम कर देंगे। जल्दी से करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, थोड़ा स्पीड के साथ। हाँ भाई शाबाश शाबाश शाबाश।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। उड़ाइए 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 जल्दी से, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको इसका, बहुत बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट सिखाया था। हाँ भाई नहीं बेटा, इतना इतना टाइम नहीं लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा, पानी की मात्रा 10% और नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% देखिए, ठीक है। दूध और पानी की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूध और यहाँ पे लिख दिया मैंने पानी। अभी आपको मैंने कंसेप्ट सिखाई थी, आप इतनी जल्दी दिमाग से कैसे निकाल देते हो। देखो भैया, पानी की मात्रा 10% की बात कर रहा है, 10% पानी की बात कर रहा है, तो 10% अगर पानी होगा तो भैया 90% क्या हो जाएगा आपका, दूध हो जाएगा 90, ऐसे ले लेते हैं। हाँ भाई 10 पानी होगा तो बेटा जी 90 क्या हो जाएगा आपका, दूध हो जाएगा, ठीक है ना। 20% बना लेंगे तो 20 ये हो जाएगा, तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। क्या मिलाना है इसमें, पानी मिलाना है, तो पानी की बात कर रहा है तो दूध की मात्रा को सेम करना पड़ेगा ना बेटा। जीरो से जीरो काट दीजिए, एक काट दीजिए, दो से काट दीजिए, 2 × 4 = 8, तो ये हो गया 4:1। हाँ ये देखिए, ये 4:1 हो गया, तो उसे काट दिया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ध्यान से सुनते जाइए बेटा जी। ये 4, हाँ ये कितना हो गया, 4:1 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 9:1। अब हमें क्या मिलाना है, क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कितना पानी है। अगर पानी मिलाने की बात कर रहा है तो दूध की मात्रा को मुझे सेम करना पड़ेगा, तो बेटा यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे, तो 4 से यहाँ गुणा कर दीजिए कंप्लीट में, 4 से यहाँ पे 9 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करूँगा तो ये 36 और ये 4 आ गया, 36 और 4 वैसे 40 होता है, 9 से गुणा कर दूँगा, 9 × 36 हो गया और 9 × 1 = 9 हो गया, कितना हो गया 45, ठीक बात है कि नहीं है 45। हाँ ये तो सेम हो गया, देखिए ये सेम हो गया कि नहीं हो गया, ये सेम वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई ये सेम वैल्यू हो गया, मैंने आपको यही बताया था, ये वैल्यू कितना हो गया, सेम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात को। तो यहाँ पे पहले 4 था, पानी का रेशो पहले 4 था, और अब कितना हो गया 5, तो भैया कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 5 बढ़ा के नहीं बढ़ा। अब ये देखिए, ये पहले है, मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले, मैंने इससे पहले क्वेश्चन, ये पहले है बेटा जी और ये बाद में है। सवाल में कहता है 40 लीटर का मिश्रण है, तो पहले टोटल कितना है भैया मिश्रण मेरे पास, पहले मेरे पास 40 लीटर का मिश्रण, 40 को 40 के बराबर रखा, 40 काट दिया, 1 R का वैल्यू किसके बराबर आ गया बेटा जी, 1 के बराबर आ गया, कितने हैं पानी के, 5 R है, 1 बराबर कितना हो गया 5 लीटर। हाँ भाई जय श्री राम जय महाकाल बोल दो एक बार जो है, क्लियर है, थम्सअप करते जाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार। एक सवाल और कर दो, फिर उसके बाद अगले टाइप को चेंज करते हैं। ये सवाल आप जल्दी से आप बना दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप लोग बना देंगे, जल्दी से बना दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई जल्दी से, इसमें कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, तो 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। जब पानी को मिलाने की बात कर रहा है तो दूध की मात्रा को समान कर दीजिए, ठीक बात है कि नहीं है, याद रखिए दूध की मात्रा को समान करना होता है। टाइमर को मैं लगा देता हूँ, इसके बाद टाइप को चेंज करूँगा। चलो भाई इसके बाद इस टाइप को चेंज करेंगे जल्दी से, ये प्रैक्टिस करवा दिया मैंने। चलो बेटा जल्दी से उड़ा दीजिए शाबाश 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 शाबाश, गर्दा 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 गर्दा, हाँ शाबाश शाबाश। हाँ हाँ भाई बहुत बढ़िया मेरे प्यार प्यार बच्चों। देखो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हैं, 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। देखो बेटा ध्यान से देखिए इस बात को, दूध और पानी का अनुपात, ये दूध का लिखा बेटा जी, यहाँ पे दूध को लिखो, पहला दूध या भैया दूध लिख दिया और ये लिख दिया बेटा जी पानी, बात को समझते जाइए। दूध और पानी का अनुपात 7:3, पहला रेशो था 7:3 और दूसरा रेशो था 3:7। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को समझते जाइए, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल में कह रहा है दूध और पानी का अनुपात बने कितना पानी और मिला जाए। अगर पानी को मिलाने की बात करेगा तो दूध की मात्रा को समान करना, इस दूध के रेशो को समान करना पड़ेगा। कैसे समान करेंगे दूध के रेशो को, यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 3 से गुणा कर दो,
यहाँ पे 7 से गुणा कर दो, यहाँ पे 7 से गुणा कर दो, 7 कितना हो गया 21, 21 रेशो, 3 कितना हो गया 9 रेशो, ऐड कर देंगे कितना हो गया बेटा जी ये 30 रेशो हो गया, इसको कर दीजिए 7 21 रेशो, ये देखिए ये रेशो बराबर कर दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चों, और ये 49 रेशो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे देखो 49 में निकालूंगा तो ये 40 रेशो आ गया है, ठीक बात है कि नहीं 40, हाँ भाई 40 रेशो का आ गया है और 30 रेशो, अब देखिए पहले और ये बाद में, तो पहले जो रेशो बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये 30 रेशो किसके बराबर हैं, 30 रेशो बेटा जी 30 के बराबर हैं, 30 रेशो बच्चे 30 के बराबर हैं, तो एक भाग कितने के बराबर आ जाएगा, एक रेशो बेटा जी वो बराबर आ जाएगा 30 रेशो 30 के बराबर हैं, तो काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक रेशो एक के बराबर आ गया, कितने हैं बेटा जी इसके 40 रेशो, तो 40 गुणा में एक बराबर कितना हो गया 40 लीटर मेरे प्यारे बच्चों, इसका 40 लीटर बिल्कुल सही आंसर है, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाए, बहुत बढ़िया शाबाश 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 मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 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 सर व्यास अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो वो शाबाश 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 लीजिए, इस क्वेश्चन ये आपने कर लिया तो टाइप को चेंज कर दिया भाई, ये सवाल कर लिया तो भैया टाइप को चेंज कर दिया, लो बेटा आपने ऑलरेडी कर दिया है तो ये लीजिए 10 पालतू जानवरों में टाइप को चेंज कर दिया, मैं वो टाइप आपको सिखाता हूँ जो मैंने अभी आपको नहीं करवाई है, चलिए 10 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियां हैं, कहता है प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, बिस्किटों की कुल संख्या 56 है, तो कुत्तों की संख्या बताइए बेटा क्या होगी, भाई टाइमर आपका स्टार्ट है जल्दी से बताइए, शाबाश 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार, थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए, जय श्री राम बोलते जाइए, देखिए बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार, हाँ रेशो को बराबर करने के लिए इक्वल इसलिए रख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि जब दूध को देखिए जब पानी को मिलाएंगे तो दूध की मात्रा को समान करेंगे, जब दूध को मिलाएंगे तो पानी की मात्रा को समान करेंगे तभी एक्चुअल रेशो आता है, ठीक बात है कि नहीं, तभी एक्चुअल वैल्यू आती है, शाबाश 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 जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया लाइक और शेयर करते जाइए भैया, जय महाकाल बोलते भाई, लाइक 3000 पर लाइक हो जाना चाहिए था अब तक जो है, देखो सीखिए हम नया टाइप है आपके लिए बिल्कुल एकदम जो है, 10 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियां, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, ठीक बात है कि नहीं, अच्छा सवाल है भाई, ध्यान देंगे इस बात पर, देखो कितने जानवर है भैया 10 पेट्स हैं, 10 पालतू जानवर 10 पेट्स हैं, सम आर डॉग सम आर कैट्स, ये बिल्ली है भाई कैट्स लिख दो, और ये कुत्ता है भैया इसको डॉग्स लिख दो, ठीक बात है कि नहीं, ये कुत्ता है इसको डॉग्स लिख दिया, ये कैट्स हो गई बिल्ली, भैया बिल्ली कितना बिस्किट खा रही है, देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का, मुँह जवानी सवाल को निकाल दोगे एलिगेशन कॉन्सेप्ट से, देखिए इसके दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं, बिल्ली कुत्ता 6 बिस्किट खा रहा है और बिल्ली 5 बिस्किट खा रही है, बिल्ली खाती है 5 बिस्किट, कुत्ता खाता है 5 जमा 1, एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, बिल्ली 5 खाती है, कुत्ता 5 जमा 1, एक बिस्किट कुत्ता एक्स्ट्रा खा रहा है, 5 बिल्ली और 5 कुत्ता, इनका देखो 5 बिस्किट बिल्ली खाती है तो 5 बिस्किट कुत्ता खाता है, इनका एवरेज तो बेटा जी सेम हो गया, जानवर कितने बेटा जी 10, तो बेटा 10 गुणा 5 कितना हो गया बेटा जी 50, ठीक बात है कि नहीं, 10 गुणा 5 एवरेज आ गया, टोटल कितना दे रखा था मुझे, टोटल जो संख्या थी बिस्कुटों की वो थी 56, 56 में 10 पंजे 50, इस 50 को हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 6, तो देखिए ध्यान से सुनिए, टोटल जो संख्या थी बिस्किटों की वो 56 संख्या है, 56 में से कुत्ते बिल्ली ने जो खाया, देखिए दोनों ने जो दोनों ने खाया मिलके, तो 10 पंजे 50, दोनों ने 10 पंजे 50, ये 50 दोनों ने मिलके खाया, कुत्ते ने भी खाया बिल्ली ने भी खाया, तो इसमें 56 में से निकाल दिया, तो दोनों ने मिलके खाया, हाँ भाई आप ध्यान दीजिए, इतना बिस्किट कुत्ते ने खाया इतना बिल्ली ने खाया, पर जो कुत्ता खा रहा है वो एक्स्ट्रा भी तो खा रहा है, 5 बिल्ली 5 कुत्ते का एवरेज तो बराबर है, एक कुत्ता एक्स्ट्रा खा रहा है तो एक्स्ट्रा एक कुत्ते का आएगा, एक से भाग कर देंगे इसको, तो ये कितना आ गया भैया 6, 6 किसका वैल्यू आ गया, कुत्ते का वैल्यू आ गया, और इधर डॉग डॉग आपके 6 आ गए, अगर 6 वैल्यू कुत्ते की है तो बिल्ली की कितनी आएगी, 10 में से 6 को निकाल दूंगा तो 4 कितनी आ गई कैट्स, 4 किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा कैट्स की, हाँ भाई क्लियर है, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए, बहुत बढ़िया शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश शाबाश बहुत अच्छे अच्छा एक टेक्निक और भी हमारे इसके पास,
एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है बिना पेन बिना पेपर को उड़ा देंगे इसको जो है। हाँ, एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है बिना पेन बिना पेपर को उड़ा देंगे। देखो लिखो डॉग्स और ये कैट्स। हाँ भाई, एलिगेशन पढ़ाया था आज मैंने, जैसे ही क्लास की शुरुआत करी थी तो एलिगेशन से आपके शुरुआत करी थी। कितने पालतू जानवर हैं भैया? 10 पालतू जानवर हैं। तो 10 पालतू जानवर। पालतू जानवर मतलब कुत्ता भी पालतू जानवर है, बिल्ली भी पालतू जानवर है, ये बात आप समझते हैं, कुत्ता बिल्ली दोनों पालतू जानवर है। हाँ, पेन पेपर का जरूरत नहीं होगा, पेन पेपर का जरूरत नहीं होगा, मेरा वादा है आप लोगों से, पेन पेपर का जरूरत नहीं है। मुँह जवानी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। 10 कुत्ता 10 बिल्ली, ठीक बात है कि नहीं? कुत्ता खाता है 6 बिस्किट, तो 6 से यहाँ कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, तो भैया 6 बिस्किट कुत्ता 6 खा रहा है, तो 10 गुना 6 कितना हो जाता है? 60। बिल्ली 5 बिस्किट खा रही है, तो 10 गुना 5 कितना हो जाता है बेटा जी? 50। ये आपने लिख लिया है। हाँ भाई, पहली बात को समझिए, 10 पालतू जानवर थे, तो पालतू कुत्ता भी होता है पालतू, 10 पालतू जानवर, तो मतलब 10 कुत्ता पालतू जानवर था, 10 बिल्ली। कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, 10 गुना 6 एवरेज आ गया 60, और बिल्ली 5 खाती है 10 × 5 = 50, एवरेज 50। पर उसने जो टोटल दे रखा है, हाँ भाई, उसने जो टोटल दे रखा है बिस्किटों की जो टोटल संख्या है वो 56 है। भाई मजा आए तो कम से कम 3000 लाइक को क्रॉस करना चाहिए। जय श्री राम, जय माँ काल। ऐसा नहीं मजा आएगा, 3000 लाइक होना चाहिए जब ही हम बताएंगे, ऐसे थोड़ी यार भी कलम चलाए। जल्दी से 3000 लाइक ठोक दो, नहीं तो बेटा क्लास को यहीं विराम दे देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे जो है। मेहनत करते रहें, कोई फ़ायदा थोड़ी है, 3000 लाइक कम से कम होना चाहिए जो है। हाँ, क्लास को यहीं विराम दे देंगे बिल्कुल एकदम जो है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, नहीं तो फिर इसका दूसरा पार्ट करवाएंगे बेटा, इस बात का ध्यान रहे, दबा के लाइक और शेयर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ भाई, जल्दी से ये 3 हो जाना चाहिए, ऐसे कोई मज़ा थोड़ी है यार जो है। मतलब फ्री में क्लास दी जा रही है और फ्री सेवा करने के बाद भी अगर लाइक के बटन दबाने में तुम्हें परेशानी है, फिर मज़े वाली बात नहीं है बेटा। हाँ, इससे बेटर है कि वो एक एक घंटे की क्लास ही आपके लिए है। अरे, हफ्ते भर में मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए कंटेंट तैयार करके ले कहता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल। ये हुई ना बात। भाई लाइक में कंजूसी क्यों करते हो? जो बच्चा आता तुरंत आती लाइक दबा दिया, भाई काम ख़त्म एकदम जो है। लाइक में कंजूसी नहीं, हाँ लाइक में कंजूसी नहीं चलना चाहिए यार। देखो देखो आपका ये, देखो कम से कम, देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्लासें मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो कम से कम उसमें कंजूसी नहीं चलना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं? जय श्री राम दबा के जय श्री राम जय महाकाल लिख दो। देखो डॉग 60 कैट्स 50, एवरेज जो वैल्यू आपको दे रखी है कितना दे रखा भैया? टोटल है आपके पास 56। क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन लिख लो भाई, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन, क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। 60 में से 56 को निकाल दीजिए, 60 में से देखिए डॉग का 60 आ गया, कितना आ गया? हाँ, 60 - 56 कितना आ गया बेटा जी? 4, 56 में से निकाल देंगे 6। कुत्ते कितने आ गए भैया? 6 कुत्ते। बिल्ली कितनी आ गई बेटा? बिल्ली 4। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? बताइए बिना पेन पेपर के निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? एवरेज 56 दे रखा था, ये देखिए एवरेज 56 है, टोटल 56 बिस्किट है। तो 60 में से 56 को माइनस करेंगे 4, बिल्ली आ गई 4, और 56 में से 50 को निकालेंगे तो 6, कुत्ते आगे 6। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश शाबाश, मज़ा आया कि नहीं? गर्दा मचा के नहीं? मजा दबा के लाइक और शेयर ठोको इसी बात पे। अगले क्वेश्चन को देते हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन तुम उड़ाइए। हाँ भाई, मज़ा आया कि नहीं आया? दबा के लाइक और शेयर हो जाना चाहिए इसी पे, 4-5 हज़ार पे पहुँचा दो जल्दी से। भाई तुम्हारे लिए 4 घंटे की क्लास, 4000 अब तक लाइक नहीं है, कैसे मज़ा आएगा, कैसे फील आएगा यार तुम्हारे लिए हम पढ़ा रहे हैं जो है? ठोका दबा के लाइक और शेयर, जय महाकाल का आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए। चलो लो बेटा अगला सवाल, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो टाइप मैंने पढ़ा दिया है वो सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो टाइप नहीं पढ़ा है वो टाइप के क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। किसी चिड़ियाघर के अंदर बकरी और मुर्गी है, बकरी दे रखा है मुर्गी दे रखा है, यदि इनके सरों की संख्या 40 है, तो यदि पैरों की संख्या इनकी गिनती दे रखी है 100, तो बताइए चिड़ियाघर में कितनी मुर्गी कितनी बकरी हैं? चलो बेटा जल्दी से उड़ा दीजिए फटाफट फटाफट, रैपिड फायर। टाइमर, अच्छा टाइमर दो, लो भाई टाइमर ले लो आप, बहुत बढ़िया, लो भैया टाइमर, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, हीरो हैं भाई, हीरो हैं। शाबाश 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 शाबाश, टाइमर के साथ तो प्रैक्टिस होना चाहिए भाई।
हाँ शाबाश 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 शाबाश, जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वट इज द आंसर? अरे गर्दा मचा दिया, गर्दा 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 गर्दा, शाबाश 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 शाबाश। ये हुई ना बात। हमारा कोड यूज़ करें, यूज़ कोड धांसु सर गेट 10% ऑफ फॉर द अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भैया हमारा कोड लगाएं। पीडीएफ पीपीटी आपको दे दी जाएगी, चिंता करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक बात है कि नहीं है? चलो भैया आ जाइए जल्दी से, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए भाई। लाइक और शेयर दबा के ठोक दिया करो महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। देखो मेरे प्यारे बच्चों बात को समझिए। हाँ भाई सवाल जो दे रखा है, कहते हैं एक चिड़ियाघर है। बहुत बढ़िया भैया, चिड़ियाघर दे रखा है। गए हो कभी चिड़ियाघर भैया? अरे चिड़ियाघर गए हो कभी? हाँ चिड़ियाघर गए हो बता दिया करो कम से कम। चिड़ियाघर गए हैं मास्टर जी, हम तो गए हैं चिड़ियाघर। एक चिड़ियाघर में बकरी और मुर्गी हैं, ठीक बात है। इसमें दे रखा है भैया इनके सर की संख्या, सर तो सभी का एक होगा, सर तो भैया बकरी हो या मुर्गी हो, सरों की संख्या 40 है। तो भैया सरों की संख्या 40 है तो बकरी का भी सर एक होगा, मुर्गी का भी सर एक होगा, ठीक बात है कि नहीं? हाँ भाई बकरी और मुर्गी लिख दो भैया, हैंस मुर्गी और ये बकरी, ठीक बात है। ऐसे आपने लिख लिया है भाई, इतना तो आपने काम कर लिया होगा। सर सबके सेम दे रखे हैं मेरे बच्चों, आप ध्यान से देखिए मुझे बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए बड़े प्यार से कैसे सॉल्व किए जाते हैं ऐसा। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट को हम, आप पता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है आपका, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से एक सवाल मैं आपसे बनवाता हूँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बड़ा प्यारा सवाल है। ध्यान से देखिए, ये मुर्गी है ये बकरी है, मुर्गी के कितनी टांगे होती हैं? लेग पीस दो टांगे मुर्गी के होती हैं। बकरी की कितनी टांगे, लेग कितनी होती हैं, कितनी टांगे होती हैं बकरी की होती हैं? आप कहोगे मास्टर जी चार, तो भैया दो जमा दो चार हो गया। मुर्गी की दो टांगे, बकरी की चार टांगे। भैया आप जो चिकन तंदूरी खाता होगा उसको तो बहुत पता होगा। अरे मुर्गी की दो टांगे हो गई, बकरी की चार टांगे हो गई। अब जिसने कभी मुर्गी खाई नहीं वो कहाँ से जाने बेचारा जो है, हैं? देखो भैया दो मुर्गी की टांग दो बकरी की टांग, इनका एवरेज तो बराबर हो गया ना, क्योंकि इनका सर सेम होगा। तो 40 गुणा में दो कर दो बेटा, 40 गुणा में दो, बात समझ में आई? ये एवरेज सेम हो जाएगा इसका। टोटल जो मुझे दे रखा है, टोटल दे रखा है पैरों की संख्या 100 दे रखी है भैया। टोटल लिख लो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। टोटल जो दे रखा है मुझे 100 दे रखा है, मेरे पास कितना आया एवरेज? 40 दूनी 80, 80 निकाल दूंगा बेटा जी बचेगा 20, 80 निकाल दूंगा बेटा जी बचेगा 20। अब मुझे बताइए ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है, ये जो एक्स्ट्रा है, ये तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा किसका है? दो बकरी दो मुर्गी, इनका तो एवरेज बराबर हो गया, 80 आ गया। ये जो एक्स्ट्रा बचा, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया, ये जो एक्स्ट्रा बचा, ये दो एक्स्ट्रा किसका है मेरे प्यारे बच्चों? मुर्गी का है। तो मुर्गी का एक्स्ट्रा है तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? दो से डिवाइड करूँगा, तो दो से जब डिवाइड करूँगा, यानी बकरी का एक्स्ट्रा है दो से, तो 10, ये जो 10 जो संख्या आएगी ये किसकी आएगी बेटा जी? ये 10 जो संख्या आएगी ये बकरी की संख्या आएगी। सवाल में किसकी पूछी है कितनी बकरी हैं, तो बकरी की संख्या तो 10 आ गई। अब अगर आपसे सवाल ये पूछ लेंगे तो भैया मुर्गी का संख्या बताइए। हाँ हाँ अब आप देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे भैया मुर्गी की संख्या बताइए, तो बेटा जी मुर्गी की संख्या कैसे आएगी? मुर्गी की संख्या जो आएगी भाई, सिर तो हैं 40, ये 40 हैं टोटल, 40 दे रखे हैं, 40 में से 10 बकरी को निकाल दो तो 30 किसका आ जाएगा? मुर्गी की संख्या 30 आ जाएगी। हाँ भाई क्लियर है? बहुत शानदार कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल 40, देखिए सर की संख्या 40 दे रखी थी, तो मैंने मुर्गी और बकरी, मुर्गी के दो टांगे होती हैं, बकरी की दो जमा दो, ये कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। दो मुर्गी दो बकरी का एवरेज वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि 40 दे रखा है, 40 गुणा में दो कितना हो गया? 80। टोटल मुझे दे रखा था भैया 100, इधर देखिए टोटल 100, यदि पैरों की गिनती 100 है तो 100 में से इस 80 को निकाल देंगे, क्योंकि मुर्गी और बकरी दोनों का है। तो ये अब जो बचा 20, ये 20 एक्स्ट्रा किसका बच रहा है यहाँ पे? दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा किसका है? बकरी का, तो बकरी से मैंने दो से डिवाइड कर दिया, तो ये संख्या जो आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों बकरी की आ जाएगी। बकरी का संख्या कितना आ गया है? 10,
10 बकरियां हैं तो 40 में से निकाल देंगे तो मुर्गी कितनी आ गई। जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मस्त क्वेश्चन है कि नहीं है भैया? बढ़िया क्वेश्चन है। चल भैया अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से थोड़ा स्पीड के साथ। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो थोड़ा। शाबाश 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 शाबाश। अगला क्वेश्चन बनाइए, टाइप को चेंज करें, बढ़िया बढ़िया टाइप चलेगा भाई, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो बेटा टाइमर लगा दिया। हाँ भाई सवाल को पढ़ते जाइए, 35 क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई। एक बर्तन में जिसकी क्षमता 64 लीटर है, शुद्ध दूध से भरा हुआ है, नया टाइप है भाई, इसमें 16 लीटर दूध को निकालकर उसके स्थान पे पानी भर दिया। 16 लीटर दूध को निकाला, उसके स्थान पे पानी को भर दिया, बहुत बढ़िया काम किया सर। और फिर इस प्रक्रिया को दो बार दोहरा दिया, तो इस मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। पहले 16 लीटर को निकालता है, फिर 16 लीटर पानी को, हाँ दूध को निकालता है, फिर उसकी जगह पानी को डाल देता है। इस प्रक्रिया को दो बार रिपीट कर दिया उसने। अब सवाल में पूछ लिया तो बता दीजिए पानी का मात्रा क्या होगा भाई। टाइमर आपका स्टार्ट है। चलो भैया जय श्री राम बोलते जाइए, जय महाकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। इतनी देर में क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा देखो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। सवाल में कह रहा है एक बर्तन जिसकी क्षमता 64 लीटर, बर्तन दे रखा 64 लीटर की उसकी क्षमता दे रखी है। देखिए ये बर्तन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बर्तन है, थोड़ा बर्तन को बड़ा बना देते हैं। लो ये बर्तन बना दिया, ठीक बात है कि नहीं? 64 लीटर की इसकी क्षमता है, 64 लीटर की, ठीक बात है कि नहीं? सवाल में जो कह रहा है, सवाल में कह रहा है इसमें से भैया शुद्ध दूध से भरा हुआ है, ये दूध से भरा हुआ है, 16 लीटर दूध को निकाला। पहले उसने 16 लीटर जो निकाल दिया भैया दूध, 16 लीटर उसने मिल्क को निकाल दिया और फिर ऐड कर दिया 16 लीटर पानी उसमें, दूध की जगह उसमें 16 लीटर दूध को निकाल के उतना ही पानी भर दिया जाता है। 16 लीटर दूध को निकाल रहा है उतना पानी डाल रहा है, प्रोसेस को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है प्रोसेस को। तो भाई जब 16 लीटर निकालेगा तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका 48 हो गया, 48 इसमें से 16 निकाल दिया, 14 8 और ये कितना बचा 16, 8 से 14 4 5 6 ठीक है, 48 और 16 का रेशियो आ गया, ठीक बात है कि नहीं? 48 और 16 का रेशियो आ गया, ठीक बात है कि नहीं? हाँ अब ध्यान देखिए, देखिए दूध को निकाला और पानी को डाला, इस बात को समझेंगे। दूध को निकाला तो दूध तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, पानी आपका क्या हो जाएगा बेटा जी? वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है? दूध को आप कांस्टेंट रखेंगे, पानी वेरिएबल होगा, दूध निकल रहा है पानी डल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रहा है? प्रोसेस रिपीट 2 times, प्रोसेस दो बार रिपीट हुआ। प्रोसेस क्या था एक्चुअल में? प्रोसेस बेटा जी ये था कि भैया 16 लीटर दूध निकाला पानी डाला, ये प्रोसेस था आपका जो है। तो भैया जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू जो हमारा होगा ये मिल्क, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको ऊपर रखेंगे और बटे में ये जो हमारा मिक्सचर है कितना है भैया? ये 64, दो से काट दूंगा बेटा जी इसको, नहीं 16 3 48 और 16 4 64, हाँ ये रेशो आ गया है आपका 3/4। ये रेशो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3/4 आ गया, क्लियर है कि नहीं? ये 3/4 आ गया है। अब उसने ये कहा इस प्रोसेस को दो बार रिपीट किया गया, ये जो प्रोसेस हुआ है इसको दो बार रिपीट किया गया, तो भाई दो बार रिपीट कर दो इसको, 3/4 एक बार और रिपीट कर दीजिए 3/4। ये जो प्रोसेस थी 16 लीटर दूध को निकालना, 16 लीटर पानी को डालना, इस प्रोसेस को बेटा जी दो बार रिपीट किया गया, तो मैंने भी दो बार रिपीट कर दिया। ये पहली बार मैंने इसको रिपीट किया, ये दूसरी बार मैंने इसको रिपीट किया, ये बात समझ में आती है? पहली बार रिपीट करिए, दूसरी बार रिपीट कर दिया, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये देखिए 3 3 9 3 कितना हो गया 27, ये 27 आ गया, 4 4 16 4 64, ये 64 आ गया बेटा। ये आपका दूध है, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दूध है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, ये बेटा जी ये मिक्सचर है, मिश्रण है, हिंदी में कहूँ तो इसको मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर जिसको आप कहते हैं बेटा जी। ये दूध हो गया, ये आपका मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया। सवाल में जो आपसे पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा है? ये कह रहा है कि बताइए नए मिश्रण में पानी की मात्रा। जब वो पानी की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें क्या सवाल में क्या बचा? तो इस मिश्रण में से दूध की मात्रा को निकाल दे। अगर वो वाटर की बात कर रहा है बेटा जी,
तो वाटर जो होगा वह 64 लीटर का मिश्रण था, इसमें से 27 लीटर का ये दूध को निकाल दो तो कितना आ जाएगा, तो पानी की जो मात्रा होगी वो 37 लीटर होगी, 37 लीटर पानी की आपकी मात्रा होगी। हाँ भाई क्लियर है, जय श्री राम बोल दो भैया एक बार। जो है बहुत बढ़िया शानदार सवाल था, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे प्यार। 37 आएगा माय डियर, 14 में 7 गया 7 और ये 5 में 2 गया 3, 37 वाटर की मात्रा, पानी की जो मात्रा आएगी मेरे प्यारे बच्चों, पानी की मात्रा, पानी पानी पूछा है उसने, पानी आएगा 37 आपका करेक्ट आंसर है। 27 बेटा गलत आंसर है, 27 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 37 आपका करेक्ट आंसर आएगा। हाँ भाई 27 नहीं आएगा, 37 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक बात है कि नहीं। हाँ एक सवाल और बना दो इस पे, जो है एक क्वेश्चन आपकी ये प्रैक्टिस के लिए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए, इससे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाइए 37, ठीक है दूध पानी का आप बना लेंगे। अब एक नया क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, हाँ अगला क्वेश्चन दूध पानी का सेम क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा एक नमक को लेकर जो क्वेश्चन आता है इसको बना के दिखाइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहता है, एक नमक और पानी में मिश्रण में 15% है और मिश्रण में 30 लीटर पानी वाष्पीकृत कर गया है, जिसकी प्राप्त मिश्रण में 25% की नमक की मात्रा हो गई है, तो मिश्रण की मात्रा बताएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया था, लास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है, सवाल में पूछा है, तो वह फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए मिक्सचर, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए मिक्सचर बताना है, मिश्रण की मात्रा बतानी है, जो ओरिजिनल मिक्सचर है उसकी मात्रा कितनी है। चलो भाई जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, ब्रेक लेंगे भैया अभी थोड़ा सा रुक जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, चलो शाबाश 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 शाबाश, ब्रेक ले लें क्या? हाँ भाई ब्रेक ब्रेक ले लें क्या, जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद जो है ब्रेक ले लें, हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा कुछ एनर्जी वेनर्जी आ जाएगा, थोड़ा सा कुछ खा पी लें थोड़ा सा, हैं बताइए भाई आप लोगों का आशीर्वाद हो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे एनर्जी आ जाएगा। शाबाश 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 शाबाश, हाँ चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा ब्रेक के लिए सोचेंगे, ठीक है 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम भी सोच रहे हैं थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा। हाँ भाई थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा, आप भी समझते हो इस बात को, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा। थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, ठीक बात है, जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना, आंसर बताओ इस सवाल का क्या है। या 40 क्वेश्चन कर लें उसके बाद चलेंगे। हाँ भाई जैसे आप आदेश कर देंगे वैसा कर लेंगे, थोड़ा सा भूख तो लग रही है 10-15 मिनट का लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, उसके बाद शुरू कर देंगे। हाँ थोड़ा सा भूख तो लग रही है भाई, तुम भी जानते हो थोड़ा हाँ देखो भाई जय महाकाल जय श्री राम बोल दो बेटा एक बार। ओहो ये बहुत बड़ा हो जाता है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, ठंडा ठंडा, अरे भाई आराम कर ले, थोड़ा सा आराम कर ले। देखो भाई ध्यान से सुनो, कहता है कि नमक और पानी के मिश्रण में, नमक और पानी दे रखा है, देखो सबसे पहले जो आपको परसेंटेज वैल्यू है ना, एक आपको 15% दे रखा, 15% का मतलब क्या हो गया, 15/100, तो बेटा जी मैं इसको काट दूंगा, 5 × 15 होता है 5 × 3/20 आ गया, ये आपको समझ में आता है, ठीक बात है। हाँ 3 नमक है ये मिक्सचर है। दूसरा वैल्यू बेटा जी आपको देता है 15% के बाद, ये देता है 25%, ये 25% पुत्र आपको देता है, 25/ ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 1/4। देखो ये 3 तो आपका नमक है ये, और ये नीचे आपका मिक्सचर है, ये एक नमक है और ये आपका मिक्सचर है, ठीक बात है कि नहीं। तो नमक और पानी दे रखा है ना, यहाँ पे लिखो नमक, सॉल्ट और यहाँ पानी, और इनको मिला दिया तो भैया मिक्सचर बन जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। नमक और पानी को मिला दिया तो मिक्सचर बन जाएगा,
शाबाश। हाँ भाई ध्यान दीजिए इस बात को। देखिए पहले नमक कितना है बेटा जी, 3 है। 20 में से 3 को निकाल दो, 17 कितना हो गया, पानी हो गया। फिर नमक कितना बेटा जी, 1 है। 4 में से 1 को निकाल दिया, 3 पानी हो गया। देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो नमक इसमें कहता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस मिश्रण 30 लीटर वाष्पीकृत, कहता है पानी वाष्पीकृत कर दिया गया है। तो पानी को वाष्पीकृत कर दिया गया है, ठीक बात है। इसका मतलब हमें नमक की मात्रा को बराबर करना होगा, ठीक बात है कि नहीं। नमक की मात्रा को बराबर करना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देता हूँ, ठीक बात है कि नहीं है। तो ये 3 हो गया, ये 3 × 9 हो गया, 17 और 3 बेटा जी ये तो हो गए 20 रेशियो, और बेटा जी 9 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 12 रेशियो। हाँ भाई कितने कितना बढ़ रहा है, कितने का डिफरेंस है बेटा जी, 8 रेशियो का डिफरेंस है। तो सवाल में कितना दे रखा है, 30 लीटर का वाष्पीकृत कर दिया है। तो भैया देखो पहले 20 था, अब कितना हो गया, 12 हो गया। तो कितना निकल गया भैया, 8 निकल गया है। तो जो निकला है कितना, 8 रेशियो बराबर किसके, 30 के बराबर है। 1 रेशियो का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 30/8 के, 8 से काट दूंगा, ये 2 से काट दूंगा, 2 से 2 कम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 हो गया 15/4। 1 रेशियो बराबर का वैल्यू है 15/4 के। तो एक्चुअल रेशियो कितने हैं आपके भैया, 20 रेशियो हैं। तो भैया 20 रेशियो हैं, 1 रेशियो का वैल्यू है आपका 15/4, 4 से काट दूंगा, 4 × 5 = 20 और 15 × 5 कितना होगा, 75 लीटर बेटा जी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई 75 लीटर आपका करेक्ट आंसर है। जय श्री राम बोल दो एक बार जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 38। शाबाश 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 करिए। एक बर्तन कुछ क्षमता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए टाइमर आपके लिए लगा दिया है थोड़ा सा, और 10 मिनट का आपके लिए ब्रेक है मेरे प्यारे बच्चों। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। हाँ 10 मिनट का आपका ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा जो है। चलिए जल्दी से कुछ खा पी लें थोड़ा सा सब लोग। जय श्री राम जय श्री राम। थोड़ा ब्रेक ले लो भैया 10 मिनट का, ओनली फॉर 10 to 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का दो। ठीक बात है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। करिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट का। ठीक है बेटा एनर्जी बिल्कुल डाउन है, आप भी समझते हो, थोड़ा सा एनर्जी बन जाएगा बेटा, फिर एकदम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ आप भी खा पी लीजिए, थोड़ा सा एनर्जी को रिचार्ज कर लीजिए, उसके बाद फिर करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी से क्वेश्चंस को करिए आप लोग जो है। चलिए बेटा आप भी कुछ खा पी लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना। ब्रेक के बाद 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं बेटा आप लोगों से, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी कुछ खा पी कर, हाँ एकदम एक्टिव हो जाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, तहे दिल से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को भैया तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए थोड़ा सा एनर्जी हाँ यार थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज हो गया है, बड़ा क्लास है आप भी जानते हो, थोड़ा सा जो खाली हैं तो एकदम एनर्जी आ गया है भगवान की दुआ से। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद अदा करता हूँ। थोड़ा सा भैया हाँ भैया, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपने भी थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया बेटा, एनर्जी को रिचार्ज कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी क्लासें होती हैं आप भी जानते हो, थोड़ा सा एनर्जी। जय महाकाल। कहाँ कहाँ से आप लोग एक बार थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। हाँ वॉइस क्लियर आ रहा है, वॉइस के लिए एक बार थम्स अप कर दीजिए, वॉइस के लिए थम्स अप करें। क्या मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को? वॉइस के लिए थम्स अप कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई जय श्री राम। हाँ दाल रोटी भैया मास्टर आदमी है, गरीब मास्टर हैं तुम्हारे लिए फ्री पढ़ा रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। अब वीडियो को कम से कम देखे, 4 घंटे क्लास है तो 4000 लाइक से पहले नहीं जाएंगे, आप भी जानते हो इस बात को। जल्दी से जल्दी 4000 लाइक कर दीजिए, 50 सवाल आपके पूरे करेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, ठीक बात है। 50 सवाल तो कम से कम पूरे करेंगे बेटा जी आपको, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सेशन दे देंगे, ठीक है। कुछ सवाल आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी एक बार लाइक ठोक दो, एक बार महाकाल के आशीर्वाद से सब लोग लाइक ठोक दो। हाँ भाई ये सवाल दिया था मैंने आपको। हाँ सवाल कहता है एक बर्तन। हाँ भाई किस किस ने क्वेश्चन किया है एक बार थोड़ा सा, और थोड़ा सा कमेंट करके किस किस ने बच्चे ने क्वेश्चन किया है जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश।
हाँ भाई, उड़ीसा से हैं, बहुत बढ़िया, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, फिरोजाबाद से हैं। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थी, बस लाइक और शेयर ठोक दो जल्दी से भाई, 4000 लाइक हो जाना चाहिए कम से कम, जो है ना, जाने से पहले हमारा। जय सिया राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया। चलो मेरे प्यार बच्चों, सवाल पे आ जाओ। देखो बेटा, हाँ भाई, सवाल कहता है, कम से भी कम एक बर्तन जिसकी कुछ क्षमता है शुद्ध दूध से भरा हुआ है, ठीक बात है, इसमें 8 लीटर दूध को निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। वो सेम प्रोसेस है, 8 लीटर दूध को निकाल पे उसके स्थान पे पानी डाल दिया जाता है, इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, और इस प्रोसेस को कितनी बार दोहरा दिया बेटा, 3 बार कह रहा, 3 बार उसको दोहरा देता है। इस प्रकार में बने नए दूध और पानी का जो रेशो है, इसको लिख लो, ये दूध अनुपात पानी, और मिक्सचर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मिक्सचर की बात करें, दूध और पानी का जो है मिक्सचर कह रहा है, दूध और पानी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इस बात के, ये दूध और ये पानी, ये 65:16 है मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 5 11 है, 6 और 1 7 रहा 81 बेटा जी, ये हो गया आपका 81 हो गया, हाँ ठीक बात है, 81 ही हो गया। जो क्वेश्चन आपके बचते हैं अन अकेडमी पर, मेरी जो फ्री क्लासेस चलती है ना, अगर जो सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, जो सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे बच जाते हैं, तो अन अकेडमी पर जो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप वहाँ पे आके कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन वहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो अन अकेडमी पर मेरी जो क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे क्लास चलती है, तो मैं सारे क्वेश्चन वहाँ पर जो बच जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पर कम्प्लीट करवाता हूँ, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। देखो ये 65 है मेरे प्यारे बच्चे, ये 16 है बराबर किसके है, 81 के बराबर दे रखा है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, सवाल में जो कह रहा है वो दूध को निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल देता है, तो बताइए इस मिश्रण के अंदर दूध की वास्तविक रियल मात्रा के बारे में पूछ रहा है, ठीक बात है कि नहीं। अब वो दूध को निकाल के पानी को डाल देता है, सिंपल सी बात है, तो ये कितना है भैया, हाँ 16 अपॉन 81, हाँ 16 बटे कितना हो गया, उल्टा लिख दिया क्या हमने, उल्टा लिख दिया, ओह उल्टा लिख दिया है, दूध कितना था उसने, 16 दूध है, पानी कितना है, 65 है, बराबर 81 है, ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 बटे दूध, ये मिल्क हो गया आपका, और मिक्सचर हो गया 81। देखो बेटा, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, अगर मैं करता हूँ, प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया गया है, एक्चुअल रेशो आपका ये है, इसके 4 टाइम्स, जब वो 3 बार रिपीट कर रहा है ना, तो एक्चुअल प्रोसेस देखिए, 3 बार वो रिपीट करा, वो कह रहा प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया, पर एक्चुअल में प्रोसेस कितनी बार रिपीट होगी, 4 बार होगी। वो सवाल में तो कह रहा प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया है, सवाल में प्रक्रिया को 3 बार दोहराया है, पर एक्चुअल में कितनी बार दोहरेगी, 4 बार दोहरेगी, तो इसका 4th रूट ले लेंगे, तो 16/4 का 4th रूट कितना होता है इसका, 2/3। हाँ भाई, जय सिया राम, 2/3 आपका एक्चुअल रेशो आ गया, ठीक बात है कि नहीं, 2/3 आपका एक्चुअल रेशो आ गया। ये 2/3 है क्या, ये आपका मिल्क है और ये आपका मिक्सचर है, बात को समझिए, ये आपका मिल्क है, ये आपका मिक्सचर है, ठीक बात है कि नहीं। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 1:1 का डिफरेंस है, तो ये कहता है ना, इसमें 8 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया है, तो ये 1:1 आ गया, 1:1 आ गया ना, भाई दूध में से मिक्सचर में से इसको निकाल देंगे, 3:3 का जो मिक्सचर है, इसमें से ये 2:1 को निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1:1 किसके बराबर है बेटा जी, 8 के बराबर है। एक्चुअल में उसने पूछा है दूध की वास्तविक मात्रा, तो जो ये जो तीन जो मिक्सचर है, ये पहले क्या था, ये पहले तो दूध था ना मेरे बच्चे भाई, ये पहले तो दूध था, फिर दूध को निकाला, फिर पानी, पहले तो ये दूध था ना, अरे पहले जो ये मिक्सचर था, पहले जो तीन ये रेशो आ रहे हैं मिक्सचर के, तो पहले तो ये दूध था, जब इसमें से दूध को निकाला फिर पानी को डाला, तो स्टार्टिंग में दूध मिक्सचर था, बाद में जब इसमें से दूध को निकाल के पानी डाला तब ये मिक्सचर बन गया, तो पहले तो ये दूध था, तो इसका मतलब कितने रेशो हैं, एक्चुअल जो है 3:1, 1:1 का वैल्यू 8 के बराबर, तो 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 के कितना आ जाएगा, 24 लीटर इसका करेक्ट आंसर है, 24 लीटर इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, किस किसी ने दिया, थम्सअप करते जाइए भाई जल्दी से जल्दी।
शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन उठाइए जल्दी से जल्दी। हाँ भाई चलो जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपने जो है। अगला क्वेश्चन लीजिए स्पीड के साथ जो है, और जैसे आराम बोलते जाइए। अगला क्वेश्चन लीजिए भैया। 400 मिलीलीटर के घोल में 15% अल्कोहल है, मिश्र में अल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए बताइए कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी, थोड़ा उड़ाइए थोड़ा स्पीड के साथ। मैंने अब आपको मिक्सचर का भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एलिगेशन का भी। अब आप सवालों को जल्दी जल्दी करके चलिए, थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। हाँ थोड़ा स्पीड के साथ भाई। ये प्योर अल्कोहल हो गया आपका जो है शुद्ध, प्योर को ले लेते हैं भाई, प्योर अल्कोहल। जल्दी से जल्दी थोड़ा स्पीड के साथ प्रैक्टिस करें। ये प्योर, ये फर्स्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये सेकंड हो गया ठीक है। प्योर अल्कोहल को आप कितना ले लोगे, जो प्योर अल्कोहल आपका 100% आप प्योर अल्कोहल को ले लीजिए। 100% आपने प्योर अल्कोहल को ले लिया है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ ध्यान देंगे, सवाल में कह रहा है तो ये बताइए इस घोल में 15% अल्कोहल, 15% अल्कोहल, ये 15%, ये हो गया 15%। और एवरेज कितना, किस मिश्रण में मिलाना है, 32% में मिलाना है। तो जिस मिश्रण में मिलाना है उसको यहाँ पे लिखिए 32% में, 32% में। द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, इसमें मिलाना है ठीक बात है कि नहीं है। तो 100 में से 32 को माइनस कर देंगे तो कितना, 10 में से 2 गए 8 बचा बेटा जी, और 9 में से 3 गए 6, 68 बचा, और ये बचा भैया 5, 12 में 7, 5 12 बचा, और ये 2 में से गए 17, 17 से काट दूंगा, 17 चौक 68 होता है 1 और 4, ठीक बात है नहीं। अब सवाल में क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। सवाल में कहता है 400 मिलीलीटर का घोल है तो 4, इसके 4 रेशियो हो गए बेटा, इसका 1 रेशियो है, 4 रेशियो कितने के बराबर है भैया, 400 के बराबर है। 4 से कितनी बार जाएगा बेटा, 100 बार कटेगा। तो सवाल में ये पूछा है तो इसमें शुद्ध अल्कोहल कितना मिलाया गया, तो शुद्ध अल्कोहल के कितने रेशियो मेरे प्यारे बच्चों, 1 रेशियो है। तो 1 रेशियो का वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बेटा जी, 100 से यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 इज़ द राइट आंसर। जय श्री राम जय महाकाल बोल दो एक बार। हाँ भाई क्लियर है, जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया शानदार मेरे प्यारे बच्चों। गर्दा 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 100 मिलीलीटर आपका बिल्कुल सही आंसर है, 100 आएगा बेटा जी आंसर, 100 इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है। चलो बेटा अगले कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन लगा दिया, अगला क्वेश्चन लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवा दिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करिए चलिए चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन अल्कोहल का मैंने करवा दिया है, ये क्वेश्चन भी मैंने स्टार्टिंग में करवाए हैं आप लोगों को, ये स्टार्टिंग में आप लोग कर सकते हैं। इस पर आ जाइए, देखिए जो टाइप मैंने आपको करवा दिया वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपसे नहीं होते हैं, अनअकैडमी पर मेरी क्लास चलती है बेटा, सुबह 10 बजे चलती है अर्थमेटिक का क्लास, ठीक बात है कि नहीं है। और सुबह 10 बजे चलती है, फिर दोपहर को चलती है आपकी जो है 1:30 बजे, और शाम को 4 बजे, ठीक बात है कि। कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए जो टाइप मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखा दी थी, ये सब टाइप मैंने, ये जो पिछली टाइप है सारी मैंने स्टार्टिंग की आपको सिखा दी थी, ठीक बात है कि नहीं है। अब जो टाइप मैंने आपको नहीं पढ़ाया थोड़ा वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए सवाल नंबर 46 जल्दी से पढ़िए सवाल को जो है, सवाल नंबर 46 उठाइए जल्दी से, करिए सवाल को बहुत बढ़िया। जो टाइप मैंने आपको करवा दी है वो टाइप, हाँ पहले एक क्वेश्चन और था, हाँ ये भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 46 दोनों कर लेते हैं। कहता है एक बर्तन 40 लीटर दूध से भरा हुआ है, जिसकी कीमत कहता है 3.5 लीटर थी, उसके स्थान पर कितनी पानी की मात्रा को मिलाया जाए ताकि जिससे कि प्राप्त नया मिश्रण में दूध और पानी घटकर ये हो जाए, ठीक बात है कि दूध की कीमत घटकर 2 रुपया हो जाए। हाँ भाई करिए, शाबाश 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 शाबाश, जय महाकाल जय श्री राम। हाँ भाई हाँ बेटा देखो आराम से सीखिए, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइप का सवाल मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया वो सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए पढ़ने का मज़ा जब ही आता है कि जब कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी करें, ठीक बात है कि नहीं। सारा क्वेश्चन बेटा जी आपने यहाँ से उतार लिया उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक बात है। हाँ भाई शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ। हाँ भाई शाबाश शाबाश शाबाश, देखो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए, एलिगेशन का बेस्ट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, एलिगेशन की बेस्ट कॉन्सेप्ट है माय डियर, ठीक है।
आप एक तरफ ले लीजिए मिल्क का कॉस्ट ले लीजिए और दूसरी तरफ ले लीजिए वाटर का कॉस्ट, ठीक बात है कि नहीं है? मिल्क का कॉस्ट ले लीजिए, वाटर की कॉस्ट ले लीजिए। हाँ भाई, ठीक बात है। एक तरफ आप मिल्क का कॉस्ट ले लेंगे, एक तरफ आप वाटर का कॉस्ट ले लेंगे। मिल्क का कॉस्ट उसने क्या दे रखा, 3.5। मिल्क की कॉस्ट बेटा जी उसने दे रखी 3.5, तो मिल्क का कॉस्ट आपने ले लिया 3.5। वाटर कॉस्ट क्या मान लेंगे भैया, जीरो। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो वाटर का कॉस्ट क्या मान लेंगे आप, हमेशा जीरो, ठीक बात है कि नहीं। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए, घटके कितना हो जाए भैया, 2 रुपये। तो ये 2 रुपये एवरेज कितना आ गया आपका, 2 रुपये आ गया। कि द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, माइनस करूँगा बेटा जी ये 2 आ जाएगा, माइनस करूँगा तो 3 में से 2 ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। 1.5 आ गया, ये 2 रेशो, ये आ गया आपके 2 रेशो, ये आ गया 1.5 रेशो। 2 रेशो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे, आपको देखा 40 लीटर 40 के बराबर है, 40 से काट दिया, 2 से काट दिया। 1 रेशो किसके बराबर है, कितना कितने जाएगा, कितनी बार कटेगा, 20 बार जाएगा बेटा जी, ये 20, ये 20 बार जाएगा, तो 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दुना कितना हो गया, 30, एक के बाद 10 मतलब लगा दीजिए, तो आप कितना आ जाए, 30 लीटर इज द राइट आंसर बेटा, 30 लीटर आपका करेक्ट आंसर है। सवाल में यही पूछा है कि उसके साथ कितनी पानी की मात्रा और मिला जाए, तो पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी बेटा, 30 लीटर पानी की मात्रा मिलाई जाएगी, 30 लीटर आपकी पानी की मात्रा मिलाई जाएगी, ठीक बात है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए मेरे बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन पे लीजिए, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए 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 बनाइए, कम से कम 50 सवाल पूरे करके जाइए बेटा। फिर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो सवाल है वही मैं आपको करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक बात है कि नहीं है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सवाल है वो मैं आपको करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। चलिए जल्दी से उठा दीजिए, शाबाश शाबाश। सेम वही क्वेश्चन है, एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा में दूध, एक मिश्रण की निश्चित मात्रा में दूध 16 लीटर दे रखा है, मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है, तो बताइए शुद्ध दूध से भरा हुआ 1.80 प्रति लीटर मिश्रण के दूध की मात्रा बताइए क्या होगी, बताओ जल्दी से दूध की मात्रा क्या होगी। शाबाश 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 शाबाश। चलिए जल्दी से बताइए, देखो बेटा मैंने आपको यही सिखाया, ये मिल्क कॉस्ट ले लीजिए और ये वाटर का, मिल्क का कॉस्ट ले लीजिए और वाटर का कॉस्ट, एक ही कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को आपने कर दिया है, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है ना। 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है दूध को जो है, ये कहता है, और एक निश्चित मात्रा में 16 लीटर पानी मिलाकर, हाँ ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये 90 हो गया, मिल्क का 90 हो गया, वाटर का 0 ले लीजिए, एवरेज 1.80, ठीक बात है कि नहीं, 1.80 ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। एवरेज कितना दे रखा है बेटा जी, 1.80 दे रखा है, माइनस, हाँ नहीं, अच्छा ओहो उल्टा लिख दिया है हमने, ये मिल्क ये वाटर। सवाल में कहता है 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर में बेचा जाता है, तो शुद्ध दूध से भरा हुआ कीमत दे रखा है, दूध की कीमत दे रखी थी 1.80, ये था दूध का कीमत एक्चुअल में, ये दूध का कीमत था मेरे प्यारे बच्चों, और इसका कीमत हमने ले लिया है, वाटर का कीमत बेटा जी हमने 0 ले लिया, वाटर कीमत हमने बेटा जी ले ली 0, ठीक है। किसमें मिलाना है, 90 पैसे प्रति लीटर इसमें मिलाना है, तो ये 90 आ गया एवरेज आपका वैल्यू, माइनस कर दीजिए कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, 90 में से 0 जाएगा तो बेटा 90, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, अगर मैं रेशो निकालता हूँ बेटा जी 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल बताए तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए, तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए, तो भैया जो 1 रेशो जो है वो किसके बराबर है, कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, 1 रेशो किसके बराबर दे रखा है, 16 के बराबर दे रखा है, कितनी बार जाएगा, 16 टाइम्स जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसके भी कितने रेशो हैं, 1 रेशो है, 1 रेशो दे रखा है, इसके भी 1 रेशो है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 इज़ द राइट आंसर, कितना आ गया भैया, 16 लीटर आपका राइट आंसर है। हाँ भाई क्लियर है, 16 लीटर इज़ द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
शाबाश 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 शाबाश। चलिए चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, राम शाम का क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैंने करवा दिया, एबीसी का मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट आपको ये काफ़ी स्टार्टिंग फेज में मैंने आपको करवाए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मिश्रण को एक मिश्रण में जिंक कॉपर टिन को 2-3-1 के अनुपात में, दूसरी मिश्रण में इसी से 5-4-3 के अनुपात में, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करिए, चलिए जल्दी से करिए स्पीड के साथ क्वेश्चन को। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी से जल्दी बनाइए थोड़ा स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई शाबाश शाबाश, जल्दी से करिए थोड़ा स्पीड के साथ। जो सवाल मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है मेरे प्यारे बच्चों वो आप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पे क्लास लगाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। शाबाश शाबाश, जल्दी से करिए थोड़ा सा स्पीड के साथ। देखिए 50 क्वेश्चन का हम टारगेट कम से कम मिनिमम लेके आते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखो जिंक कॉपर और टिन दे रखा है, जिंक कॉपर और टिन, ये जिंक हो गया, ये कॉपर और ये टिन, पहला रेशियो है 2-3-1, 3-2-5 और 1-6 हो गया। दूसरे में दे रखा है आपको, दूसरे में क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है कॉपर टिन एंड लीड, कॉपर टिन सीसा, कितना रेशो दे रखा है इसका भैया, इसका रेशो दे 5-4-3, 5-4-3, ठीक बात है कि नहीं, चलो 5-4-3 आपको दे रखा है, 5-4-3 कितना हो गया, 5-4-3 8-12। देखो बेटा अब सवाल में जो आपसे पूछ लिया गया, नए मिश्र धातु में सीसे की प्रति किलोग्राम बताइए, शीशे का प्रति किलोग्राम बताइए, ठीक बात है कि नहीं। शीशा का कितना वैल्यू है बेटा जी, 3 है। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो ये मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर जो होता है इसकी वैल्यूज़ को बराबर करना पड़ता है। इसकी वैल्यूज़ को कैसे बराबर किया जाएगा, ये 12 दे रखा है तो बेटा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट में 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक बात है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। अब उसने यही पूछा है तो मिश्र धातु में शीशे का पूछा है, तो बेटा जी शीशे का जो मात्रा है, ध्यान से देखिए, शीशे की जो मात्रा है, शीशे का उसने पूछा तो बताइए शीशे का कितना है, शीशे कितना है भैया, 3/12 और 12 कितना हो गया, 12+12 तो 3/3 कितना हो गया, 24, 3 से काट दूंगा, 3/8 कितना हो गया, 24, 1/8 kg, 1/8 kg शीशा कितना है भैया, 1/8 kg। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारी टाइप मैंने आपको करवा दी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे प्यार प्यार बच्चों, जल्दी से। हाँ इस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं, आप कोई ऐसी टाइप जो आपकी छूटी हो, ठीक बात है कि नहीं है। अब मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए मेरे प्यार बच्चों, भाई लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए महाकाल का आशीर्वाद से। ठीक है, अब जो सवाल हैं ये टाइप देखिए बेटा, ये टाइप भी मैंने आपको करवा दिए, सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये सब आपके क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चन बेटा जी, ये सब पीडीएफ, ये सवाल आपके बेटा जी ये होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन हैं सारे जो है, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है ना प्रैक्टिस कर लेना इन सबको बेटा। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो सवाल बचे हुए हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे को अगर कोई सवाल किसी बच्चे से नहीं होता है तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें, अनअकैडमी पर फॉलो करें मेरे, अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चों, सुबह 10 बजे क्लास होती है, सुबह साढ़े दस बजे मेरी क्लास होती है, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें, 10:30 बजे क्लास होती है। अगर किसी विद्यार्थी से ये नहीं होते मेरे प्यारे बच्चे तो सुबह 10:30 बजे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पर जितनी भी स्पेशल फ्री क्लासेस चलती हैं मैं सब में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, बाकी अपने जो, हाँ बिल्कुल एकदम जो सबको मैं डिस्कशन करता हूँ, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, हाँ देखिए और आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा कंप्लीट मैथ स्पेशल का बैच आ चुका है, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे बार बार मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। कंप्लीट मैथ स्पेशल का बैच आ चुका है एसएससी रेलवेज और एग्जामिनेशन के लिए, अगली जो मैराथन में लेके आऊँगा आपके लिए पार्टनरशिप पे लेके आऊँगा या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, आप कमेंट करके जरूर बताइए अगली मैराथन पार्टनरशिप या हाइट, पार्टनरशिप तो करना ही करना है हमें, कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक, और एक हाइट एंड डिस्टेंस भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो पार्टनरशिप को ही कर लेते हैं, पार्टनरशिप ठीक रहेगा, ठीक बात है कि नहीं।
हाँ, ये पूरा रेशो कंप्लीट, रेशो हो गया, एज हो गया, और ये आपका हो गया। उसके बाद पार्टनरशिप को कर लेते हैं, पार्टनरशिप ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बता के जाएँ, कमेंट ऑप्शन में जरूर दे के जाएँ मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके लिए स्पेशल बैच आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक एडवांस का बैच है, बेसिक से एडवांस तक। देखो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें कुछ नहीं हुआ, खाली 2 क्लासें हुई हैं जिसमें मैंने बेसिक्स पढ़ाया हुआ है। 20 अगस्त से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बैच स्टार्ट हुआ था, 5 से 6 ये बैच चल रहा है, शाम को बैच चल रहा है। मेरा कोड लगाएं धांसू सर, 6,000 रुपये का आपका ये सब्सक्रिप्शन मिलता है, 1 साल का मेरा कोड लगाते 600 रुपये का डिस्काउंट, ये आपको 5,400 का पड़ जाएगा, 5,400 का ये पड़ जाएगा, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको, सिंपल सी बात है। बैच को कैसे खरीदेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहला स्टेप अनअकैडमी आपको बेचार जी, जैसे ही इंस्टॉल हो गया अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले स्टेप एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, जैसे ही एसएससी एग्जाम पे गए दलवीर नागर पे क्लिक करना, फॉलो करना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जब आप मेरे को फॉलो करोगे तो भैया ये आपका कोर्स दिखेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मेरे प्यारे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको कोर्स दिखेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इस टाइप से आपको कोर्स दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस पर क्लिक कर देना है सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे तो क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, तो सब्सक्रिप्शन की बात करें तो भैया आप 1 साल का लेना है, सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन जो होता है 1 साल का, 1 साल का होता है 6,000 रुपये का। साल भर तक जितने भी क्लासेज होंगी ना मेरी, सब आपको फ्री दी जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। 600 रुपये का डिस्काउंट कब लगेगा, जब आप मेरे ये कोड लगाओगे धांसू सर, मेरा कोड है DHASU धांसू SIR सर, ये मेरा कोड आप लगाओगे तो भैया 600 रुपये का डिस्काउंट, तो ये आपको 5,400 का पड़ जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। अनअकैडमी के स्टूडेंट हो तो 10% डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा, तो यहाँ जाके बेटा इस पर क्लिक कर देना है गेट, हाँ इस पर क्लिक कर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप, हाँ उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आता है, पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी कर सकते हो, बाकी ये मेरा शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको फॉलो कर सकते हो। फ्री क्लासेस का अनअकैडमी का शेड्यूल है, सुबह 10:30 बजे मैं आपको बता देता हूँ मेरी मैराथन क्लास है, जो सवाल बच जाते हैं मैं अनअकैडमी पे करवाता हूँ, या अनअकैडमी पे जो मेरी क्लासेस हैं फ्री क्लासेस हैं, मैं इनमें स्पेशल फ्री क्लासेस में सारे सवाल, जो मेरे सवाल मैराथन में बच जाते हैं सारे सवाल मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, तो आप लोग मुझे सुबह फॉलो कर सकते हैं। ये क्लास मेरी 10:30 बजे है, कल भी मेरी 10:30 बजे मैराथन क्लास है, आप मैराथन क्लास में आइए, सारे सवाल मैं वहाँ पर पढ़ा दूँगा, ठीक बात है कि नहीं है, ठीक है बेटा। और ये जो सेशन है दूसरा सेशन मेरा जो है ना 1:30 पे मेरा हो गया, तीसरा सेशन हमारा 4 बजे है, ठीक बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे डेली अपना 10 बजे क्लास चलता है, तो आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, लगातार हम आपके साथ बेटा जी लगे हुए हैं देखिए, और आपके लिए बेहतरीन मैराथन हर हफ्ते में लेके आता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको मज़ा आता है तो बेटा लाइक और शेयर बिल्कुल करके जाएँ, और ये बैच आपके लिए बहुत शानदार बैच है, ऑल इन वन का बैच है मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खरीदिए। देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये बैच आपके लिए ऑल इन वन है, ये 4 से 5 महीने बैच चलेगा, 2000+ सवाल इसमें पढ़ाऊंगा, इससे शानदार आपको बैच नहीं मिलेगा। CET आ गया है, कंप्लीट मैथ का पहला बैच है मेरा, और फर्स्ट बैच मेरा अनअकैडमी पर आ गया है, तो आप इस बैच से ना आपका जो SSC का बच्चा है, बैंकिंग का, NTPC का, सभी बच्चों के लिए फुलफिल है, ठीक है। और अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बेसिक क्लास हुई हैं, मंडे से इसमें प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, मंडे को जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों वो SI और CI से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। पहले इसमें अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही अर्थमेटिक इसमें कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर इसमें एडवांस शुरू करूँगा, ठीक है। तो ईमानदारी से बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा बेटा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कहाँ कहाँ से थे आपको बिल्कुल अच्छा लगा, अगला अच्छा एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए, अगला आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे या फिर पार्टनरशिप आप पढ़ेंगे। अच्छा मंडे से जो हमारी क्लास चल रही है परसेंटेज लगातार चला हुआ है, हाँ हाँ मंडे से परसेंटेज टॉपिक आपका चला हुआ मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज बहुत शानदार टॉपिक है। हाँ रेगुलर क्लास में आपका परसेंटेज, मेरी रेगुलर 8 बजे क्लास होती है, जो बच्चे इस क्लास को देखने के लिए आए हैं रेगुलर मेरी 8 बजे ही क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चों, 8 बजे वाईफाई स्टडी पर मेरी रेगुलर क्लास होती है, ठीक बात है कि नहीं है। और परसेंटेज टॉपिक वहाँ पे चल रहा है, प्रतिशत बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं बेटा परसेंटेज को, ठीक है ना नहीं। और ये हमारा मैराथन क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम पार्टनरशिप कॉल लेंगे तो रेशो का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनरशिप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एकदम ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, दबा के लाइक ठोकते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से। देखो 4 घंटे क्लास हमने क्लास रखी थी भैया, हमने कंटेंट देखे 50 सवाल का हम टारगेट लेके आते हैं आपके लिए 50 क्वेश्चन का, तो मैक्सिमम जो सभी टाइप थी वो हमने आपको कवर करवा दी, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी लाइक ठोक दीजिए जल्दी से, जाने से पहले एक बार जय श्री राम जय महाकाल बोल दे भाई, 4 तो कंप्लीट करके जाइए जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा स्पीड के साथ लाइक कर दीजिए, जय महाकाल बोल दीजिए, शाबाश 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 शाबाश, अंदर से प्राउड फील होगी, कम से कम हमारे छात्र हम पे इतना, हमारे छात्र हमसे बड़े भाई, हम अपने छात्रों से थोड़ा प्राउड फील करें कम से कम, ठीक बात है कि नहीं। मज़ा आया कि नहीं आया दबा के, जो है मज़ा आया, बढ़िया लगा एकदम, जो है
आप चाहते हैं कि ऐसी क्लास आप लोगों को मिलते रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, जैसे ही हमारा रेशो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम नया चैप्टर का मैराथन लेके आएंगे, CISI साधारण और चक्रवर्ती ब्याज की मैराथन, फिर परसेंटेज पे लेके आएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस पे लेके आएंगे। बढ़िया बढ़िया मैराथन चलेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आप लाइक और शेयर दबा के ठोक दिया करो महाकाल के आशीर्वाद से। लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करो, दबा के लाइक और शेयर कर दिया करो। देखो आपके लिए लगातार बढ़िया बढ़िया क्लासें मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कल सुबह 10:30 बजे आप सब लोग आएंगे। जो सवाल बच जाते हैं तो आप अनअकैडमी पे जो स्पेशल फ्री क्लासेज हैं वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और ये शानदार बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। हमारा कोड लगा के धांसु सर कोड लगाइए, इस बैच को आप ले लीजिए, शानदार बैच है। जो बच्चा मेरे से धांसु ट्रिक पढ़ना चाहता है, धांसु ट्रिक पर धांसु कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो वैसे बस इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। और बस लास्ट टाइम एक साथ कहूँगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्लासें आपके लिए लगातार मैं बनती रहे, तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बच्चे ऑफलाइन कोचिंग बंद है। आप देखिए ऑनलाइन कोचिंग है, वहाँ पर फिर आप पेड बैच जो बच्चा नहीं ले पाता है, तो मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो बच्चा गाँव देहात का बेचारा लॉकडाउन में फंसा हुआ है। तो बस इसी के साथ जाता हूँ बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि हर उस बच्चे तक पहुँचे जहाँ जिसका जरूरत है।